नमस्कार मैं आपका अपना श्रावण सी एल सी सीकर से टेक्नो 2023 का वीडियो सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं चलो वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले कुछ बात मैं आपसे कर लेता हूं 13 नवंबर को ये एग्जाम हुआ राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट में 20 नवंबर को ये एग्जाम हुआ राजस्थान के सात डिस्ट्रिक्ट में और इन दोनों पेपर का सोल्यूशन हम लोग आज बुधवार तेईस नवंबर को अपलोड कर रहे हैं आप वीडियो देखें पूरा कि आपके जो जहां लॉग इन किया था सी एल सी टेक्नो डॉट कॉम पर वहां इसकी फायदे की है वैसे सोल्यूशन के साथ तो की तीसरे बताए बता ही रहे हैं आपको बाकी की के फॉर्मेट में आपने जो लॉग इन किया था वहां आप लॉग इन करोगे तो आपको अपने पेपर की की मिल जाएगी अपने मार्क्स जोड़ो और आपको किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में आंसर में लगता करेक्शन है तो दोस्तों आप इस नंबर पे पंचानवे दो सौ बारह छत्तीस पाँच सौ पचपन पे बाकायदा आपका जोन कौन सा था क्लास कौन सी है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है उसका फोटो खींच के इस पर व्हाट्सअप कर दो वैसे चांस नहीं है कलेक्शन के फिर भी हमारा जो सिस्टम पूरा ओपन है पूरा ट्रांसपेरेंट है तो बड़े खुल के बोलते हैं और डियर आप जानते हो अभी एक फेज का एग्जाम बाकी है राजस्थान के करीब सत्रह जिलों में एग्जाम बाकी है हरियाणा पूरा बाकी है जहां एग्जाम चार दिसंबर को हो रहा है तो आपके अन्य कोई भी दोस्त जो हरियाणा में रहते हैं जो फर्स्ट जोन और सेकंड जोन के एग्जाम दे चुके उनके अलावा बाकी जो बच्चे जिले हैं वहां आपके कोई परिवार के बच्चे रहते हैं तो आपको बताना चाहिए कि आपको 4 दिसंबर को सीएलसी के होने वाले टेक्नो देनी चाहिए एग्जाम का आप जानते हो चार्ज को है नहीं वही प्रोसेस तो आप सब जानते हो ओके दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा सीएलसी कौन कौन से कोर्स से चलाता है मैं बता देता हूँ लो. हम लोग बारहवीं क्लास के बाद टारगेट कोर्स लेते हैं नीट के लिए जेई के लिए एनडीए के लिए टेंथ के बाद हम लोग लेते हैं फाउंडेशन कोर्स इलेवंथ ट्वेल्थ दो साल के लिए वो नीट जे एनडी के लिए बहुत से बच्चे ऐसे भी इस वीडियो देख रहे हैं जो तो इलेवंथ में किसी लोकल स्कूल में लोकल कोचिंग अटक गए अब जब वो लोकल इलेवंथ पढ़ा तो उनको पता लगा भाई नीट और जेई में तो फिफ्टी परसेंट आता है और फिफ्टी परसेंट आता है उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं कि अब हम क्या करें तो आपकी सी एल इन वन के नाम पर कोर्स चलाती है टू इन वन उस कोर्स में इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का सिलेबस कवर किया जाता है और ये सारे कोर्सेज का पहला फेज जो है अगले सेशन के लिए वो हम शुरू करने जा रहे हैं 6 अप्रैल 2023 को इलेवंथ के लिए भी ट्वेल्थ के लिए भी टारगेट के लिए भी और टू इन कोर्स के लिए भी और मान लो बाई चांस आपकी इलेवंथ की एनुअल एग्जाम पूरी नहीं होती है तो जैसे आपकी इलेवंथ की एग्जाम पूरी हो जाती है आप टू इन वन को आके ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा छह सात आठ नौ दस में हम करते हैं प्री फाउंडेशन यानी आजकल नीट जे एनडी की प्रिपरेशन है वो छठी क्लास से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों तो अर्थ निकला आथ, दस प्री फाउंडेशन फाउंडेशन आफ्टर टारगेट कोर्स ये तो हमारी कोचिंग का एक फॉर्मेट है इसके अलावा यदि आपको स्कूल करना है तो हमारा कृष्णा विद्या मंदिर केवीएम के नाम पे सीकर में बड़ा पैरा स्कूल है जो छह सात आठ इंग्लिश मीडियम में है नौ दस ग्यारह बारह हिंदी मीडियम भी है इंग्लिश मीडियम भी है साइंस भी है आर्ट्स भी है और एग्रीकल्चर भी है, उसके जो का, स्कूल है। का हमारा कई के साथी चलाते हैं तो वहां बहुत सारे कोर्स लेते हैं हमारे उस कैंपस में केवल और के सीबीएसई का है जो प्री प्राइमरी से लेके ट्वेल्थ तक है सीकर के आसपास के साथ इस वीडियो देख रहे हैं। तो जो अपना स्कूल है सीएलसी इंटरनेशन स्कूल जो पहले बिहार के नाम पे था उससे 45 किलोमीटर रेडियस में बस की व्यवस्था रहेगी केवीएम के भी 45 किलोमीटर के रेडियस में कन्वेंस की व्यवस्था रहेगी तो आप सीएलसी के साथ प्री प्राइमरी से लेके नीट जेई एनडी के लिए जुड़ सकते हैं सीकर में बहुत लोग काम करते हैं मैं तय कह सकता हूं श्रेष्ठ काम आपकी सीएलसी करती है दी बेस्ट काम आपकी सीएलसी करती है तो डियर जुड़े सीएलसी के साथ अगले सेशन के लिए आप जानते ही हैं बीस दिस दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा आपके नगद पुरस्कार हैं आपकी स्कॉलरशिप है आपके, है, आपके रिवार्ड्स हैं पांच बच्चों को विदेश का ट्रिप भी है हाँ, रिवार्ड्स के लिए एडमिशन देता नहीं है बट केस प्राइज के लिए स्कॉलरशिप के लिए और फॉरन ट्रिप के लिए एडमिशन अगले में होना संस्था के लिए बात देता है तो ये कुछ बात आपसे हुई उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा गया था आपने अच्छा एंजॉय किया होगा इंस्टीट्यूट के इस एग्जाम को दोस्तों जुड़े रहे सीएलसी के साथ आगे भी जुड़े हां सेल्स सीकर हमारा यूट्यूब चैनल है एक सेल्स सीकर हमारा फेसबुक पेज है जहां करीब के सप्ताह में दो तीन बार लाइव आकर बात भी करता हूं तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए मेरे साथ ताकि आपको संस्था क्या क्या अपडेट करता है सब तो पता चलता रहे हाँ, इसके अलावा एक और बड़ी सूचना है अलवर में भी हमारा संस्था है जहां हमारा स्कूल भी है और कोचिंग की ब्रांच भी है और 31 जनवरी 2023 को हमारी जयपुर ब्रांच वापस रीओपन कर रहे हैं कोरोना में जिसको हम दो साल के लिए एक बार बाइंड अप कर दिया था बाइंड अप तो नहीं सकते पोस्टपोन किया था वहां के प्रोग्राम को तो डियर 31 जनवरी 2023 से जयपुर सीएलसी वही गोपालपुर बाईपास पे वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं ओके डियर तो मिलते हैं सीएलसी आए आपके उज्ज्वल भविष्य कामना के साथ आपका अपना श्रवण नमस्कार हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ टीम फिजिक्स सीएलसी आपका टेक्नो का पेपर फिजिक्स का अपन डिस्कशन करेंगे आशा है सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा ओके तो अपन स्टार्ट करते हैं पेपर क्लास क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ठीक है आवेश वितरित है किसी प्लेट के ऊपर और ये प्लेट इसके अंदर इस गोले को इस तरह से जिसका अपने को आवेश घनत्व है या चार डेंसिटी कितनी दे रखी है सिग्मा और ये प्लेट के ऊपर पूरी तरह से वितरित है ये प्लेट इसको यू काट रही है तो इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा वॉट इज अपन जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है ये होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस अपॉन एफसाइड नॉट इसके इक्वल होता है तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि इस स्पेयर के अंदर इस प्लेट का कितना चार्ज आ गया तो प्लेट का जितना पार्ट इसके अंदर आएगा उस पर जो चार्ज होगा वो अपन कैलकुलेट करते हैं अगर इस स्पेयर को अपन थोड़ा सा यूं देखें ये स्पेयर इस प्लेट इसको इस तरह से काट रही है यूं तो जब काटेगी तो एक तरह से ये इस यहां पर कितना चार्ज जाएगा वो चाहिए तो जितना चार्ज यहां आएगा उतना ही प्लेट का इसके अंदर होगा तो यहां पर ये डिस्टेंस अपने को दे रखी है एक्स ये अपने को पता है इसकी रेडियस होगी आर तो अपने को यह डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जो कि इस की रेडियस होगी और इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो यूनिट एरिया पे दे रखा है एकांक क्षेत्रफल पर दे रखा है उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने को साफ साफ दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम अगर, अगर अपन लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर स्मॉल आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो जो समेशन क्यों आएगा टोटल चार्ज अपना वो आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर तो ये आ जाएगा सिग्मा पाई और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपका फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एफ नोट और इसके अकॉर्डिंग अपने को दिख रहा है ऑप्शन नंबर फोर तो अपना आंसर जो होगा वो होगा फोर के इक्वल ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो पॉइंट चार्ज हैं, ये उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ये दे रखा है तो अपने को ये बताना है कौन सा इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है देखो अगर आपने किसी भी लाइन पर यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा तो अपने को पता इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप यहां देखें चाहे यहां देखें सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी मतलब टुवर्ड्स राइट राइट की तरफ होगी राइट right का मतलब होता है पॉजिटिव अगर आपने यहां नेगेटिव चार्ज रखा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आवेश की तरफ होती है तो दोनों के कारण बीच में कहीं भी देखोगे आप तो एक ही डायरेक्शन में होगी और वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो राइट right साइड में आएगी राइट right साइड का मतलब पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए यहां पर नेगेटिव होना चाहिए जीरो बीच में कहीं भी नहीं होगी तो डेफिनेटली ए पर आपका पॉजिटिव चार्ज और बी पर कौन सा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन okay? ये कह रहा है, है। इसमें कुछ चार्ज है क्यू वन क्यू टू कुछ साइड आउटसाइड है कुछ इन है अपने को बताना है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज के कारण होगा तो ये हमेशा ध्यान रखो अपन जब गौ लो यूज करते हैं फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस अपन लेते हैं और ये होता है टोटल चार्ज अपॉन साइल नोट तो ये ध्यान रखो आप कि यहां पर समेशन क्यों होता है इसको अपन क्यों इनक्लोज भी बोलते हैं मतलब दिस इज चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस गौशिन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये सभी प्रकार के चार्ज या आवेशों के कारण होगा चाहे इट इज आउटसाइड द सरफेस और इनसाइड द दिन सरफेस उसके चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो तो कहने का मतलब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सभी चार्जेस के कारण होगा तो ये अपना आंसर इसके अंदर आ जाएगा थर्ड क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू फोर सभी चार्जेस के कारण अगर अपने को ये पूछता कि इस गोशन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स किन पे डिपेंड करेगा तो इस गोशन सरफेस में दो चार्ज है क्यू वन और तो क्यू डिपेंड करता आउटसाइड वालों पर डिपेंड नहीं करता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पे डिपेंड करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्क यूज किया और अपन ने गोल्डन लिव इलेक्ट्रोस्कोप देन गोल्डन लीव ड्राइव इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने यहां पर सिल्क के कपड़े से इसको रोड को, को रगड़ा तो यहां पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको टच तो किया ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ये पॉजिटिव आया इस पर पॉजिटिव आया इस पर पॉजिटिव आया तो ये रिपल्सन के कारण के कारण स्प्रेड हो जाएंगी, जाएंगे हो जाएंगी। अब आपको कह रहा है कि इसके ऊपर अपन ने इंसिडेंट की तो रेज अगर इस पर इंसिडेंट करेंगे तो यहां पर क्या होगा एक्सरे क्या करता है रे इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर यहां पॉजिटिव चार्ज होने के कारण रिपल्सन प्रतिकर्षण बढ़ेगा और ये ज्यादा डाइवर्स हो जाएंगी ज्यादा फैल जाएंगी तो यहां पर अपना इसका आंसर जो है वो पत्तियां और फैल जाएंगी मीन्स लीव मोर डाइवर्स ये अपना इसका आंसर होगा ओके सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास कुछ प्लेट्स हैं इनके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करना है देखो किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के कारण अगर इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा जो भी है इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो यह आपकी आएगी सिग्मा अपॉन एबसाइन नोट अपन ये देख रहे हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा डिस्टेंस कितनी भी हो आप यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी और उसकी वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन सिग्मापोन नॉट के इक्वल तो यहां पर अगर पी पर देखें तो तीनों के कारण आएगा इसके कारण भी आएगा इसके कारण भी आएगा तो यहां तो अपने को इन दोनों के कारण तो दिख रहा है डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है तो इसके कारण प्लस में आएगा प्लस सिग्मा अपॉन एप्सनल नॉट इसके कारण

केवल नेगेटिव के कारण आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा माइनस जेड माइनस जेड का मतलब अगर यूनिट वेक्टर के हिसाब से देखें तो माइनस के तो इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर का है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने को दे रखा मैक्सिमम और मिनिमम या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपने को पता है मिनिमम वैल्यू कब आएगी जब अपन इनको सीरीज में कनेक्ट करें तो वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री थी 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 तीनों इक्वल है सी एस कैलकुलेट करोगे तो ट्वेल्व बाई थ्री मतलब फोर फेरेट मैक्सिमम तब आएगी जब अपन इनको पैरेलल में कनेक्ट करें तो साफ दिख रहा है कि इस पैरेलल के अंदर आपके पास वैल्यू जो आएगी वो थर्टी सिक्स तो ये तो गई आपकी मिनिमम वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू ठीक है तो फोर और कैपेसिटर सी है ठीक है विदाउट रिमूविंग द बैटरी बैटरी को जब रिमूव नहीं करते हैं बैटरी को नहीं हटाते हैं तो आप इसमें कुछ भी कीजिए मीडियम फिलअप कीजिए डिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करो एरिया कम करो ज्यादा करो कुछ भी करो उस टाइम अपने पास यहां पर क्या होता है पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा तो अगर ये कैपेसिटेंस सी था बैटरी कनेक्टेड है वी वोल्ट की v वोल्ट की तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो इतना ही रहेगा चाहे अपन कुछ भी करें अब आपने मीडियम फिलअप कर दिया तो इसका कैपेसिटेंस जो हो जाएगा इसकी जो धारिता है वो एप्शनल आर इंटू सी के इक्वल हो जाएगी फिर अपन जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है चार्ज पूछा अपने को तो सी बी तो ये तो आ गया आर R टू सी और ये आपको दे रखा है ठीक है तो इसका आंसर आपका आएगा सेकेंड नेक्स्ट दो रेडियस आपको दो स्पेयर दे रखे ए और बी इसका कैपेसिटेंस आपको बताना है तो यहां पर देखिए आप इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या कि कनेक्ट करने पर आप सब जानते हो कि अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा विभव ज्यादा होगा और बाहर वाले का पोटेंशियल कम होगा ठीक है और अगर अपन इनको कनेक्ट करते हैं दो स्पेयर को या दो कंडक्टर को जब भी कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हमेशा आवेश का प्रवाह किधर होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू तो लोअर पोटेंशियल उच्च विभव से निम्न निम विभव की ओर यहां पर इसका विभव ज्यादा है इसका विभव कम है इनको कनेक्ट किया तो इसका पूरा का पूरा चार्ज इस पर चला जाएगा इसका मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होगा तो सारा चार्ज इस पर चला गया तो इसका मतलब एक तरह से ये, हो गया। नहीं है ये।, ये, गोल ये चालक हो गया और गोलिया चालक की दारिद्र सब जानते हैं फोर पाई एप्स नॉट इंटू उसके जो भी रेडियस है अब ये जो बचा इसकी रेडियस आपके पास बी के इक्वल है तो ये बी आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा फोर पाई एफ बी के नेक्स्ट सिंपल ये कि एनर्जी स्टोर पूछ रही है एन कैपेसिटर को कनेक्ट किया ठीक तो है, 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 है तो कैपेसिटर के अंदर एक कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी वो अपन जानते हैं हाफ सी बी स्क्वायर होती है सिंपल ये कुछ नहीं एन कैपेसिटर है तो टोटल एनर्जी जो है मल्टीप्लाइड बाई एन तो एन से इसको मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना ठीक है या कर लो में कनेक्ट करने पर टोटल कैपेसिटेंस जो आएगा पैरेलल का वो सब सेम है तो एन सी के हो गया और फिर एनर्जी अपनी आएगी हाफ सी पैर इनटू वी स्क्वायर जो कि हाफ एन सी वी स्क्वायर ठीक है कैसे भी करो वैसे भी एनर्जी को एन मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है तो ये आपका आंसर सेकेंड होगा ओके नेक्स्ट देखिए यहां पर आपके पास एट एट आइडेंटिकल चार्जेस प्रत्येक का मैग्निट्यूड क्यूब एल साइड के क्यूब पर रखे ठीक है तो पोटेंशियल बताना है विभव बताना है एट द सेंटर तो देखो ये अगर अपन क्यूब लेते हैं इसका ये होगा ये इसका डायजोनल मतलब विकर्ण होगा किसी भी क्यूब का उस कोने से इस कोने तक अगर ये रूम माने, ये क्यूब का विकर्ण हो गया डायजनल हो गया और इसकी वैल्यू अगर इसकी साइड एल दे रखी है, तो ये पूरे की वैल्यू रूट थ्री एल के इक्वल आएगी इस कोने से इस कोने तक लेकिन आपको सेंटर पे पूछा है तो ये जो डिस्टेंस आपकी आएगी आ जाएगी रूट थ्री एल बाई टू अब सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव हैं आपके पास तो सबके कारण यहां पर पोटेंशियल सेम होगा आठों के कारण ठीक है और इनके कारण पोटेंशियल सेम होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तो एक दूसरे को सारे सेम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता विद्युत क्षेत्र लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो अपन क्या करते हैं किसी एक चार्ज के कारण कैलकुलेट करके एट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपन जानते हैं पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस तो यहां पर ये तो हो गया वन अपॉन फोर फाइव नोट आपके पास चार्जेज हैं कितने एट क्यू और जो आपके डिस्टेंस होगी ये यहां से किसी भी चार्ज की डिस्टेंस देखोगे ये इसकी इक्वल आएगी रूट थ्री एल बाई टू के तो ये अपन यहां पर पुट कर देते हैं रूट थ्री एल बाई टू ठीक है ये आपकी वैल्यू आ गई कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा सिक्सटीन मल्टी कैंसिल हो गया तो ये आपके पास ये आपकी वैल्यू आ जाएगी फोर क्यू पाई नॉट रूट थ्री एल तो ये इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है सेकंड तो इसका आंसर होगा सेकंड इसके बाद ये चार कैपेसिटर हैं, ठीक है थीके? आपको पहले कैलकुलेट करना है बिटवीन ए एंड बी तो ए और बी के बीच में ए आपका पॉइंट ये है बी ये। तो अपने को साफ दिख रहा है ए और बी के बीच में ये एक कैपेसिटर तो ये हो गया ये जो सी है बाकी के ये ए और बी के बीच में ये जो तीन हैं, ये तीनों कैपेसिटर ए और बी के बीच में ये तीनों सीरीज के अंदर आ जाएंगे तो जब सीरीज में होंगे तो सबकी वैल्यू सी के इक्वल है तो इनका जो इक्वल कैपेसिटेंस है सबको पता है वन बाई सी वाले मेथड से करेंगे तो ये सी बाई थ्री के इक्वल आ जाएगा क्योंकि तीनों सीरीज में माने जाएंगे बिटवीन ए एंड बी तो अब यहां पर अगर, अगर अपन ए और बी के, के बीच में टोटल कैपेसिटेंस सी वन मानता हूं इस केस के अंदर तो अपने को साफ दिख रहा है ये सी और सी बाई थ्री ये पैरल में हो गए समांतर क्रम में तो ये आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पर फोर सी बाई थ्री आ गया लेकिन अगर, अगर अपन बिटवीन ए एंड सी लेते हैं ए और सी के बीच में तो ये पॉइंट ए और सी ये है आपका पॉइंट अब बी से कोई मतलब नहीं अपने को तो अपने को साफ दिख रहा है कि ए और बी के बीच में ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों भी पैरेलल में हैं ए और सी के बीच में तो यहां पर ए सी ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका जो है वो टोटल आएगा टू सी के इक्वल ये दोनों पैरेलल में हैं इन दोनों का आएगा टू सी के इक्वल अब ये अपने को साफ दिख रहा है ये दोनों जो है वो किस में आ गए पैरेलल में आ गए फिर और पैरेलल में हो गए तो इनका अगर सी टू मानते हैं तो वो अपन जानते हैं कि दोनों इक्वल है सी के इक्वल आ जाएगा ठीक है तो आपको पूछा गया रेशियो किसका C1 वन अपॉन सी तो डेफिनेटली फोर सी बाई थ्री और ये C तो आपका आंसर होगा फोर बाई थ्री के इक्वल मतलब इनका जो रेशियो या अनुपात आएगा वो फोर रेशियो थ्री के इक्वल आएगा तो आपका आंसर हो गया ये ये भी सिंपल अभी वो ही है साफ दिख रहा है डायग्राम से आपको P और Q के बीच में इक्वलट कैपेसिटेंस तो ये अभी अभी जैसे अपन ने देखा था ये तीनों को अगर देखें तो ये अपने को तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं सीरीज के अंदर तो सब सेम है तो यहां पर जब इन तीनों की जगह एक ही कनेक्ट करेंगे तो ये आएगा वन बाई थ्री माइक्रोफेरेड का ये आपका वन है ये सी हो गया सी की वैल्यू आपको वन माइक्रोफेरेड दे रखी है वापस इन दोनों को देखें अभी किया था वो ही है ये हो गए पैरल में और पैरल के अंदर P और Q के बीच में कैपेसिटेंस आएगा वन प्लस वन बाई थ्री तो इसका आंसर हो गया आपका फोर बाय थ्री माइक्रोपेड तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का ओके तो दिस इज फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा नेक्स्ट ए और बी के बीच में इक्वलट रेजिस्टेंस बताना है ठीक है अगर इस पूरे सिस्टम को अपन सीधा कर दें मतलब ए और बी को सीधा देखें तो देखो यहां से जो भी करंट जाएगा वो इसमें जाएगा इसमें भी वही आएगा इसमें भी वो इसमें भी वही इसमें भी वही इसमें भी वो ही। इसका मतलब ये तीनों रजिस्टेंस जो है ये ये और ये ये तीनों के तीनों सीरीज के अंदर है क्योंकि तो यहां से जो भी करंट जा रहा है वो तीनों में सेम और करंट जब सेम होता है तो सीरीज में होंगे तो मैं ऐसा करता हूं कि ये अपना ए ये बी पहले ऊपर वाले तीनों को अगर अपन देखें तो ऊपर वाले तीनों अपने पास सीरीज में है ये फिर यहां पर ये आपका पॉइंट बी आ गया ये आ गया इसके आगे यहां से मान लो इस पॉइंट को मैं पी ले लेता हूं एक बार पी इससे आगे आपके पास एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जिसकी वैल्यू है थर्टी ये भी थर्टी के तीनों लेकिन अब यहां से लेकर ए से लेकर पी तक एक सीधा वायर भी कनेक्ट है तो ये एक सीधा वायर भी अपन कनेक्ट करेंगे तो अब अपन देखेंगे कि यहां पर ये एक सीधा कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना हिंदी में बोले तो पथित करना पथित करने का मतलब यहां से जो भी करंट जाएगा अब वो करंट इनके अंदर से पास नहीं होगा इनके अंदर से पास नहीं होगा सारा का सारा क्योंकि ये वायर है जीरो रेजिस्टेंस वायर है तो इसमें से करंट सारा पास हो जाएगा करंट उधर से जाता है इसको कम से कम रेजिस्टेंस मिलेगा तो ये इसमें से कोई करंट इनमें जा, नहीं जाएगा इसका मतलब ये तीनों काम ही नहीं आ रहे शॉर्ट सर्किट हो गए तो यहां पर बचा कौन थर्टी केवल तीस बचा यही इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो थर्टी ओम के इक्वल नेक्स्ट ट्वेंटी फोर का है इसको यू बेंड कर दिया ये एंगल दे रखा है नाइनटी का अपन जानते हैं कि पूरा एंगल जो होता थ्री सिक्सटी का तो ये इधर बच गया टू सेवेंटी डिग्री का तो अगर इस एंगल की और इस एंगल की बात करें अपन तो इनका रेशियो आ रहा है वन रेशियो थ्री तो वन रेशियो थ्री ये रजिस्टेंस आर वन मानो या आर टू आर वन रेशियो आर टू जो आएगा वो वन रेशियो थ्री के इक्वल आएगा तो अगर आर वन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वन बाई थ्री सॉरी फोर वन बाई सम इनका टोटल और इनटू टू ट्वेंटी फोर तो ये आ गया सिक्स ओम ये सिक्स ओम आएगा तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा आपके पास कैलकुलेट कर लो चाहे ट्वेंटी फोर था ये आएगा आपका एटीन ओम अब ये आपका पॉइंट एक्स और वाई हो गया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपका जो है वो है सिक्स ओम का दूसरा इसके ऊपर यो कनेक्ट है ये आपका जो है वो हो गया कितने का एटीन ओम का और साफ दिख रहा है ये दोनों जो हैं वो पैरेलल समांतर क्रम के अंदर हैं, और समांतर क्रम के अंदर अपन जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होगा वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू मतलब वन बाय सिक्स प्लस वन बाई एटीन एटीन एल्शियम लोगे आप तो थ्री प्लस वन फोर बाई एटीन मतलब आपकी आर की वैल्यू आ गईन बाई फोर मतलब तो ए oh. so, और बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसकी रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू फोर पॉइंट फाइव के इक्वल आएगी <coughs> ये से अपन करेंगे अपन जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो माइनस में माइनस आई आर होगा ठीक है तो अपन स्टार्ट करते हैं ए से तो ए पर पोटेंशियल मान लिया ए वी ए फिर यहां पर बैटरी आ गई अपन इधर चल रहे अपने चलने की डायरेक्शन ये रखते हैं करंट की डायरेक्शन में अब आपको मिल गई बैटरी बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव चलने का मतलब अपन जो है वो हायर लोअर से कम से अधिक विभव की ओर लोअर टू हायर पोटेंशियल चल रहे हैं तो इसका पोटेंशियल थ्री हो गया करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहां पर पोटेंशियल आ जाएगा माइनस थ्री इंटू वन रेजिस्टेंस पे फिर आपको ये मिल गया तो ये भी करंट की डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं तो थ्री इंटू सिक्स फिर यह आपका लास्ट में आ गया कौन सा पॉइंट वीबी तो ये थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा ये एटीन आ गया तो वी ए माइनस वी बी इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी एटीन वोल्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा किसो फ्लो से अपन कर रहे हैं अठारह वोल्ट एटीन वोल्ट। ये अल्फा पार्टिकल है एल्फा पार्टिकल अपन जानते हैं हीलियम न्यूक्लियस होता है इसका मतलब इन पर जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर वो प्लस टू दो इलेक्ट्रॉनों के इक्वल होगा ठीक है इलेक्ट्रॉन है अब देखो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है मान लो या किधर बोला है पॉजिटिव चार्ज एल्फा पार्टिकल मूविंग लेफ्ट तो एल्फा पार्टिकल जो है वो आपका लेफ्ट में मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन यही होगी क्योंकि अपन जानते हैं करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की डायरेक्शन में और नेगेटिव की अपोजिट होती है जबकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं लेफ्ट में तो लेफ्ट में जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव के अपोजिट होती है इसका मतलब दोनों के कारण करंट आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा तो सेम डायरेक्शन में आएगा तो टोटल करंट लिखेंगे करंट ड्यू टू एल्फा पार्टिकल एंड करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एल्फा पार्टिकल पर चार्ज टू ई होता है तो टू ई और कितने पर सेकेंड जा रहे हैं तो पर सेकेंड जो चार्ज फ्लो होता है वो क्या होता है करंट होता है तो टेन की पावर एटीन प्लस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फोर इंटू टेन की पावर एटीन और e के इक्वल ठीक है तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपके पास e आ जाएगा यहां से तो ये आपके पास टोटल हो गया सिक्स इंटू टेन की पावर एटीन अपन सिक्स वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर नाइनटीन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ये टेन की पावर एटीन तो ये आपके पास बच गया 1.6 को किया तो 9.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस वन ठीक है तो ये आपके पास पॉइंट नाइन सिक्स ए सेल हैविंग ईएमएफ जिसका ईएमएफ ही है रज, इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है एक कैपिटल आर प्रतिरोध से कनेक्ट किया है देखो एट द रजिस्टेंस आर इंक्रीज कैपिटल आर को इंक्रीज करने पर उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस आर तो अगर अपन जानते हैं कि यह आपके पास बैटरी है ई एम एफ की ठीक है इंटरनल रजिस्टेंस ये यहां पर रजिस्टेंस कनेक्ट किया तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू आपकी आएगी टोटल पोटेंशियल अपॉन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आप आपको पोटेंशियल डिफरेंस इस पर चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पर आएगा I R, मतलब e अपन क्या करते हैं यहां से आर को कॉमन ले लेते हैं कैपिटल आर को तो ये ई आर यहां से कॉमन लिया तो वन प्लस आर अपॉन आर और ये कॉमन लिया आर सी कैंसिल तो आपका लास्ट रिजल्ट आ गया e अपॉन वन प्लस आर अपॉन r ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस पर अब अपने को कहा जा रहा है कि r की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो अपन दो वैल्यू लेते हैं एक तो जहां से स्टार्ट किया r की वैल्यू को जीरो रखा जीरो सब में जीरो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल आर की वैल्यू अपन जीरो पुट करते हैं यहां लिख रहा हूं तो कैपिटल आर की वैल्यू जीरो पुट की कैपिटल तो आर अगर अपन जीरो पुट करेंगे तो यहां पर वी की वैल्यू आपकी आएगी ई अपॉन वन प्लस इन्फाइट इन्फाइट तो अपॉन इन्फानेट ई अपॉन इन्फाइट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी जीरो तो कहने का मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आर इक्वल टू जीरो पर वो जीरो फिर एक और ले, ले लेते हैं इन्फानेट वी इक्वल टू इसी से आइडिया हो जाएगा अपने को तो वन प्लस आर अपॉन इन्फानेट आर अपॉन इन्फानेट आएगा जीरो वन प्लस जीरो वन और ये इक्वल टू हो गया ई के इक्वल कहने का मतलब है जब आपने जीरो रखा तो जीरो आर को इंक्रीज करते करते इन्फानेट तक ले गए बहुत ज्यादा ले गए तब वी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी ई के इक्वल तो अपने को साफ दिख रहा है थर्ड में आ रहा है थर्ड के अंदर ही क्या हो रहा है आर की वैल्यू जीरो तो वैल्यू भी जीरो आर को अपन इंक्रीज करते गए ये इंक्रीज होता गया और मैक्सिमम वैल्यू इसकी किसके इक्वल आएगी वी ई के इक्वल उससे ज्यादा आएगी भी नहीं तो यहां पर वी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई ई के तो अपना आंसर इसके अंदर आ जाएगा थर्ड नेक्स्ट देखिए ए थ्री का आपको रीडिंग बताना है ए थ्री की रीडिंग तो या तो इसको किट्स ऑफ से इक्वेशन वगैरह लेकर करें फर्स्ट लॉ से करते हैं बिल्कुल सिंपल है आप देखिए इसके अंदर या बैटरी है इसका पोटेंशियल फाइव वोल्ट अगर इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल यहां पर प्लस 5 वोल्ट आएगा और कोई एलिमेंट है नहीं तो इस एंड का जीरो तो इसका फाइव क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइव वोल्ट आना चाहिए वो आ भी रहा है इसको जीरो माना तो यहां भी अपन देख लेते हैं ये बैटरी कनेक्ट है इसका यहां पर पोटेंशियल जीरो मान लिया डेफिनेटली तो इस एंड का पोटेंशियल कितना आएगा फाइव वोल्ट के इक्वल प्लस फाइव वोल्ट के इक्वल अब ऊपर वालों को किसी को भी अपने को देखने की जरूरत नहीं है अपन सिर्फ नीचे वाला जो है उसको देखें इसमें करंट या तो इधर से इधर या इधर इधर से इदर। ठीक है अपने को नहीं पता किधर जाएगा जाता तो या तो इधर से इधर जाता या इधर से इधर जाता करंट हमेशा फ्लो होता है किधर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल उच्च विभाव से निम्न विभाग की ओर लेकिन अपने को दिख रहा है कि यहां तो इसका पोटेंशियल भी कितना है पांच वोल्ट प्लस का इसका भी कितना पांच वोल्ट तो करंट न तो इस डायरेक्शन से इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा इसका मतलब ए थ्री में कोई करंट फ्लो नहीं होगा मतलब ये इसके अंदर करंट की वैल्यू जीरो आएगी ओके नेक्स्ट ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो फोर्स और टॉर्क के बारे में बताना है तो देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स तो जीरो होगा। आप चाहे किसी भी पोजीशन में मैग्नेट को रखें तो यहां पर आपने पास मैग्नेटिक फील्ड ये आपने मैग्नेट को यूं रखा ये इसका एन टर्मिनल ये इसका एस तो पॉजिटिव पर चार्ज इधर नेगेटिव पर इधर जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स या आप इसको ये बी आप मैग्नेट को यो रख दीजिए ये एन ये एस या अपोजिट कर लो इधर फोर्स लगा एन पर एस पर इधर लगा फोर्स तो नेट फोर्स की वैल्यू यहां भी कितनी होगी जीरो यहां भी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नेट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन समान परिमाण और विपरीत दिशा के होंगे तो जीरो आएगा ही आएगा ठीक है बात आती है टॉर्क की टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बल गुणा लंबवत दूरी तो यहां पर इस केस में तो यहां पर इन दोनों फोर्स के बलों के बीच में आप लोगों ने किया होगा ये ये लंबवत दूरी आ गई ये वाली आर परपेंडिकुलर तो यहां पर तो टॉर्क आएगा नॉन जीरो लेकिन अगर आपने मैग्नेट को यूं रख दिया तो इस बल के और इस बल के बीच में कोई लंबवत दूरी नहीं है क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर हैं, और फोर्स एक ही लाइन पर जब होता है तो कोई टॉर्क उस पर नहीं लगता तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स तो हर कंडीशन में जीरो होगा कैसे भी रखें लेकिन टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा आपने मैग्नेट को कैसे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन अगर देखो तो एफ तो जीरो है, टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी तो आपका आंसर इसके अंदर होगा फर्स्ट ओके नेक्स्ट चलो नेक्स्ट देखो ये वेक्टर के ऊपर है अपन जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अगर आपके पास ये मैग्नेट है एन ये पोल एस तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है किधर एस से एन की ओर बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह नेगेटिव टू पॉजिटिव ठीक है अब यहां पर देखो इसकी बात करें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा एस एन एम ये एस एन ये आ गया ये इधर आ गया तो यहां पर देखो ये तीनों वेक्टर सेम है और ये सारे के सारे सेम रोटेशन के अंदर हैं तो सेम रोटेशन का मतलब सेम डायरेक्शन में इस तरह से हैं तो इन सब का सम अपन जानते हैं वेक्टर सब सेम ऑर्डर में होते हैं तो उन सब का सम जो है वेक्टर सम सदिश योग जो है वो किसके बराबर होता है जीरो के इक्वल तो यहां पर इसका वेक्टर सम जीरो आ जाएगा वेक्टर है बिल्कुल सिंपल है ये इतना जानते हैं आप सब कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं थ्री क्लोज लूप्स यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों का एरिया समान है इनका क्षेत्रफल समान है सेम करंट जा रहा है तो अपन जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग लूप के अंदर जो का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क ठीक है सेम मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ये आता है एन आई एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने चक्रों का एक चक्रों का है फिर आप लोग जानते हैं कि टॉर्क की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम टॉर्क होता है एम बी के इक्वल ये वैल्यू एक चक्कर ले रहे हैं अपन सब में एक ठीक है तो यहां पर अगर अपन इसमें देखेंगे तो आप देखिए इसके अंदर सॉरी पहले वाला आ गया है तो यहां पर एम बी मैक्सिमम ये लिखे आई ए और ये हो गया आपका बी अब यहां पर आप देखो कौन कौन सी क्वांटिटीज अपने को सेम दे रखी है कौन सी आपको डिफरेंट दे रखी है तो यहां पर जब आप देखोगे सब देखो एरिया सेम है करंट सेम बोल रहा है सेम मैग्नेटिक फील्ड में है तो सब कुछ इन तीनों के लिए सेम है जब सबके लिए सेम है तो इन पर जो टॉर्क या बल आगुण लगेगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी सेम तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा फोर नेक्स्ट okay. देखो बार मैग्नेट ऑफ लेंथ दिस एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बार मैग्नेट का डायपोल एम है मैं. तो अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ये मैग्नेट है ये पॉल स्ट्रेंथ जिसको ध्रुव सामर्थ्य है बोलते हैं लेंथ इसकी आपको एल दे रखी है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी एम इंटू एल के नंबर वन अब इसको इस तरह से बैंड कर दिया ये आपको दे रखा है ठीक है अब पहली बात तो ये कि ये एंगल 60 डिग्री का है 60 का है तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज बन गया तीनों समान होंगी तो यह भी आर के इक्वल होगी अब यह भी आर के इक्वल आ गई तो दोनों अब जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट होगा एमडे वो आ जाएगा स्मॉल एम इंटू आर क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर के इक्वल आ गई अब बात यह है कि आर की वैल्यू क्या होगी तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन देखेंगे कि अपने पास जो लेंथ का मैग्नेट था लेंथ का मैग्नेट उसी को यूं बेंड किया है आर्क के फॉर्म में और आर्क जो है वो कितना एंगल बना रहा है 60 तो एक पूरा राउंड जब बन जाता है 360 का 360 का, 360 का तो उसकी लेंथ होती है अब ये बन गया 60 का तो इसका मतलब सिक्स पार्ट 60 का मतलब सिक्स पार्ट बन गया उसका तो ये आपके पास लेंथ आ गई क्या पाई आर थ्री। तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी थ्री एल अपॉन पाई तो ये जो रेडियस होगी उसकी वैल्यू ये ये पुट कर देते हैं बस तो आ गया आपका एम और थ्री एल अपॉन पाई अब एम आपको दे रखा है एम इंटू एल के इक्वल यह आपको एम दे रखा है तो यहां पर इसकी जगह एम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे थ्री एम अपॉन पाई तो ये आपका आंसर होगा मतलब इसका आंसर होगा फोर ओके नेक्स्ट देखिए बेटा यहां पर चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है मेन बात ये है और विच फिगर नेट फोर्स जो है वो दोनों पर के कारण कितना होगा जीरो ये कौन सी कंडीशन में होगा यह अपन सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा तो यहां पर ठीक है पॉजिटिव चार्ज यू मूव कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लग जाएगा इधर है तो इधर लग जाएगा इधर है तो इधर लग जाएगा इधर है तो इधर लग जाएगा ठीक है, तो, जाएगा, है तो, जाएगा। तो अब अपने पास यहां पर अगर अपन डिस्कशन करने की बात देखें तो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए तभी टोटल कितना आएगा जीरो एक बार अपन क्या करते हैं थर्ड को लेकर देखते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है यह आपके पास होगा क्यू इन टू और ये Y डायरेक्शन में है तो इसको ले लेते हैं कैप है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स वो इसके अपोजिट आ गया ठीक है और मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा जीरो तो अपन क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स अपन सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो होता है क्रॉस तो क्यू पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव होता था यहां नेगेटिव ले लेते वी वेलोसिटी पार्टिकल इधर मूव कर रहा है इधर मतलब एक्स डायरेक्शन में मतलब वी आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लग रहा है जेड डायरेक्शन में तो बी इंटू तो पास आ जाएगा क्यू बी और ये आ गया क्रॉस क्रॉस अपन सब जानते हैं ये किसके इक्वल आएगा माइनस जे के इक्वल और माइनस जे के इक्वल आ गया तो ये फोर्स जो है वो इसके जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स अगर इधर लग रहा है तो मैग्नेटिक के कारण फोर्स इधर लगेगा और ये दोनों फोर्स इक्वल हो गई ठीक है तो टोटल फोर्स कितना जीरो तो इस पॉसिबिलिटी के अंदर ही टोटल फोर्स जीरो हो सकता है बाकी इसी तरह करके देख लो ये इक्वल मतलब अपोजिट तो जीरो होने के लिए कम से कम अपोजिट होने चाहिए इक्वल हो नहीं इक्वल होंगे तो जीरो भी हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब अपोजिट केवल और केवल कौन से केस में आ रहा है आपका थर्ड केस में आ रहा तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एल लेंथ का कंडक्टर है ये दे रखा है करंट आई फ्लो हो रहा है ठीक है एक्स वाई के अंदर करंट आई इसमें स्मॉल आई तो आपको बताना है इस पर फोर्स कितना लगेगा अपन सब जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स जो होता है आई एल बी नाइन डिग्री पर है तो साइन अगर लेना चाहो तो ले सकते हो लेकिन थीटा ही आएगा ठीक है सबसे पहली बात तो यह कि ये जो वायर एक्स वाई है इसके कारण अपन यहां पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन ये रूल काम में लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट पॉइंट तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो इस पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा अब आपको इस पर फोर्स चाहिए करंट इसमें यो फ्लो हो रहा है ठीक है तो देख लो वैसे ही थीटा 90 आएगा तो यहां पर केवल आई एल बी लिख देते हैं अब करंट आपको इसमें चाहिए लेकिन यहां पर इसके अलग portion, अलग पोर्शन अलग अलग डिस्टेंस पर होंगे क्योंकि यहां पर कोई पोर्शन है उस पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा यहां पर अलग यहां पर अलग तो फोर्स अलग तो अपन एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं मान लो ये एलिमेंट यहां से एक्स डिस्टेंस पर है तो इस वायर के कारण एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो यह आ गया म्यूनोट कैपिटल आई अपॉन टू पाई एक्स अब इस एलिमेंट की लेंथ मान लेते हैं डीएक्स पहले इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा फोर्स की वैल्यू ये रही इसमें करंट आई है लेंथ इसकी कितनी है dx पहले इस लेंथ पर देख रहे हैं dx और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी नोट आई अपॉन टू पाई एक्स एलिमेंट पर फोर्स है कम लगेगा dx के इक्वल अब आपको टोटल फोर्स चाहिए तो टोटल फोर्स के लिए अपन इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर ये जो एलिमेंट है ये ये एलिमेंट ये पूरे वायर में यहां से काटना स्टार्ट करें तो यहां तक इसका मतलब मैं इस एलिमेंट को खिसकाकर यहां ले आता हूं तो x की वैल्यू हो गई l बाई टू और जब यहां ले जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी थ्री एल बाई टू तो आपकी लिमिट आएगी l बाई टू से थ्री एल बाई टू और ये आपको आ जाएगा म्यू नोट आई आई, आई अपॉन टू बाई एक्स और dx को अलग कर लेते हैं मतलब डी एक्स अपॉन एक्स ठीक है तो म्यू नोट आई आई अपॉन टू पाई और एक्स को क्योंकि इंटीग्रेशन इसका होगा सब जानते हैं इसका इंटीग्रेशन तो म्यू नोट आई आई अपॉन टू पाई और ये लॉग में आएगा तो लॉग एक्स और लिमिट कहा से कहा तक एल बाई टू से थ्री एल बाई टू तक जब आप लिमिट रखेंगे तो म्यू नोट आई आई अपॉन टू पाई और ये आ जाएगा लॉग थ्री एल बाई टू माइनस लॉग एल बाई टू लॉग एम माइनस एन तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा एल बाई टू से एल बाई टू कैंसिल तो आपकी वैल्यू जो फोर्स क्या है लिख रहा हूं मैं और यह आ जाएगी आई, आई टू पाई और के इक्वल का फॉर्मूला सबको पता है लॉगो माइनस एन अपो होता है लोग M by N. अब बात आती है डायरेक्शन की दो ऑप्शन है इसके अंदर तो डायरेक्शन के लिए तो फोर्स के डायरेक्शन वो इस फॉर्मूले से देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट तो फोर्स तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ अंदर ठीक है करंट इसमें करंटर तो मैग्नेटिक फील्ड के या लाइन आ गई फिंगर आ गई ये आ गया डायरेक्शन ऑफ करंट तो जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा इसका मतलब इस पर फोर्स यूँ लगेगा यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी यहां पर यहां पर यहां पर और ये सेम नहीं होगी यहां फोर्स ज्यादा होगा जो जो इधर चलेंगे कम होता जाएगा लेकिन होगा किधर ऊपर की ओर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ठीक है और इसका एक्सीलरेशन ये अपन जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो एक्सिलेशन भी क्या होगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की कंडीशन अपन जानते हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो ए डॉट बी अगर जीरो होगा तो दोनों वैक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो यहां पर भी कंडीशन लगा देते हैं तो ये आ जाएगा सात आई कैप प्लस सात जे कै डॉट एक्स आई कैप प्लस सेवन जे कैप शुड बी जीरो ये जीरो होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया सात एक्स ये आ गया फोर्टी नाइन इक्वल टू जीरो सात एक्स इक्वल टू फोर्टी नाइन और एक्स इक्वल टू माइनस सेवन तो ये आपका आंसर इसका होगा फोर्थ ओके बेटा ये अपना कंप्लीट है और अच्छा है सभी का अच्छा पेपर हुआ होगा बेस्ट ऑफ लक ओके थैंक यू जय सी एल हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ डॉक्टर सुनील मेलडा सी एल सी टेक्नो 2023 जॉन सेकंड ट्वेल्थ केमिस्ट्री के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 देखिए द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ए एक्स बी वाई इज रिलेटेड टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर बाई एक्सप्रेशन यानी दुर्बल विद्युत अपघटन आपको दे रखा है ए एक्स बीवाई वियोजन की कोटि अल्फा है तो गुणांक क्या होगा गुणांक क्या होगा तो देखिए मैं बात करता हूं ए एक्स बी वाई कोई रिएक्शन है पे अगर मैं इसकी बात करें तो हमारे पास X A प्लस Y B माइनस ये अगर डिसोसिएट होता है तो अगर मैं कहूं टी टाइम जब जीरो होता है तो इसका वन मान हम मान लीजिए वन मोल यूज करें तो यह हमारे पास जीरो और जीरो बनेगा कुछ टाइम बाद में अगर ये अल्फा में डिसोशिएट होता है तो टी टाइम के ऊपर हमारे पास बनता है वन माइनस अल्फा ठीक है ये हमारे पास बनता है एक्स अल्फा सॉरी अल्फा एक्स बनेगा और ये अल्फा वाई बनेगा तो अगर मान लिया अगर बात करें हमारे टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ स्पीसीज जो भी हमारे पास स्पीसीज है यहां पे उस स्पीसीज का टोटल अमाउंट कितना होगा वन माइनस प्लस एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई अगर मैं इसको इजी गोइंग इजी सरल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो मेरे पास निकलता है वन प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वन एल्फा ये हमारे पास टोटल मोल्स हो गए इसके डिसोशिएट अब हमको वोंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बिफोर बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन कितना है अपॉन बिफोर डिसोसिएशन यानी होने के पहले और वियोजन होने के बाद का अनुपात अपन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वियोजन के बाद हमारे पास टोटल मोल कितने हैं प्लस अपॉन पहले हमारे पास क्या था वन अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आई क्या हो जाएगा आई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन हमारे पास इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर वन कैलकुलेशन का है इजी गोइंग कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द हेनरी लो कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर यानी आपको हैनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन को देखिए 25 इफ इव द पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑटो इन एयर है पार्शली प्रेशर भी आपको दे रखा है यहां पे अंडर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ मोल पर लीटर ऑफ द डिसोसिएट ऑक्सीजन इन वाटर इन इक्विलिब्रियम विद द एयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड <coughs> तो यानी आपको यहां पे हेनरी का नियतांक दे रखा है ये रहा आपको ऑक्सीजन का प्रेशर दे रखा है और आपको पूछा गया है कि भैया ऑक्सीजन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में क्या होगी अगर ये साम्य अवस्था में है तो आपको पता है अगर मैं बात करें प्रेशर ऑफ ओ टू हैनरी की बात करूं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ द सब्सटेंस सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हमारे पास होता है के एच एक्स ये हमारे पास होता है तो यहां से अगर मैं एक्स ओ टू कैलकुलेट करता हूं तो वो हमारे पास क्या होगा भैया पी ओ टू अपॉन के एच तो पी ओ टू हमारे पास प्रेशर ऑफ इसकी बात करें प्रेशर कितना दे रखा है अपने पास आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर, प्रेशर पॉइंट टू अपॉन के एच हेनरी कॉन्स्टेंट दे रखा है 4. Into 10 to power 4. अगर मैं लगभग इसको करूं तो हमारे पास पास आता है, 6 into 10 to power minus 6 आता है है ये अपने पास आ गया mole fraction of O2. First, first point में तो हम ये बात करें सेकेंड पॉइंट में अगर बात करते हैं मोल ऑफ वाटर क्या होंगे भैया मोल ऑफ वाटर अब मोल वो ये क्या कर रहा है मोल ऑफ वाटर पर लीटर है मतलब 1000 अपॉन 18 अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो आता है 55.5 मोल ऑफ़ वाटर आगे अगर मैं इसको करे, तो थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होता है भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 यहां पे अगर O2 की कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है तो इसको हम नेग्लिजिबल मानते हुए क्या लिख सकता हूं? मैं X O2, नहीं, नहीं सॉरी, इसमें बात करेंगे मोल ऑफ O2। अगर इसकी बात करें देखिए तो यहां पे हम क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इसका मोल फ्रैक्शन तो O2 का कैलकुलेट करना है हमें तो हम क्या करेंगे देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ़ क्या होंगे मोल ऑफ ओ टू अपॉन मोल ऑफ ओ टू प्लस मोल ऑफ एच टू ओ अगर यहां से देखें तो यहाँ पे मोल वाटर के बहुत ही इसको मान सकते हैं, तो पास क्या हो जाएगा एन ओ टू अपॉन एन एच टू ओ तो इस हिसाब से हमारे पास एक्स ओ टू ये हमारे पास कैलकुलेट है यहाँ से यहाँ से मेरे को मोल निकालने हैं कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं एन ओ टू इ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ़ O2 इनटू nH2O अगर इसको सोल करें तो हमारे पास nO2 येरा 4.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 6 इनटू 55.5 अगर मैं इसको सोल करता हूं तो मेरे पास आता है 2.55 इनटू 10 टू पावर माइनस 4 ठीक है मोल पर लीटर यानी अपने पास सेकंड ऑप्शन चूज होता है तो कैलकुलेशन क्या देखें हम तो हमारे पास देखिए बेटा यहां पे पहले हमें प्रेशर निकालना है फिर हमारे पास वाटर का मोल कैलकुलेट करना है वाटर का मोल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू कैलकुलेट करना है क्लियर इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अपने पास ऑफ फैक्टर के ऊपर ही है कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ देश देश ये अपने पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिनका फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट तो इसका फ्रीजिंग दो तरीके से निकाल सकते हैं कि डेल्टा टी एफ से कैलकुलेट कर सकते हैं जितना ज्यादा मोलर मास होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम हो सकता है है एक सिंपल और जिसकी वो आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका अगर देखिए हम तो उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो हिमांक है वो उतना ही कम होगा तो अगर आई की फैक्टर निकालते हैं तो देखिए इसका आई फैक्टर वन होता है इसका आई फैक्टर फाइव है इसका आई फैक्टर थ्री है फैक्टर टू है और इसका फोर है तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले बेरियम है ये हो गया ये अपने पास फोर है ये थ्री है ये टू है वन है उस हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यानी आई की वैल्यू से भी कैलकुलेट किया जा सकता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 0.041 सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज

तो अगर मैं N2CO3 की बात करता हूं तो मेरे पास आता है 0.004 RT इगुल टू 0.1 सॉरी 0.01 इनटू RT यहां से ही कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो अगर मेरे को यहां से I कैलकुलेट क्योंकि दोनों का I कैलकुलेट करना है हमको तो इनटू I सॉरी यहां पे नहीं इसको मैं यहां से मेरे को आई कैलकुलेट करना है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो जीरो फोर अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास आता है टू पॉइंट फाइव यानी ये हमारे पास आई कैलकुलेट हो गया यहां से क्योंकि आपको पास इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू सी आर टी आई इंटू सी आर टी कैलकुलेट करना है क्योंकि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए तो वन होता है अपने पास जनरली और आई फैक्टर ये डिसोसिएट होता है ग्लूकोज के लिए अपन क्या लिखते हैं डिसोसिएशन वन मानते हैं ठीक है तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करें तो टू पॉइंट फाइव आ गया अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूं एन ए टू एस ओ फोर ये डिसोसिएट होता है टू एन ए प्लस प्लस एसओ फोर टू माइनस में डिसोसिएट होता है अगर इनिशियल में वन है ये जीरो है ये जीरो है कुछ टाइम बाद में ये टू एल्फा और ये अल्फा में कन्वर्ट ये बचेगा अपने पास कितना वन माइनस एल्फा टोटल मोल कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास वन माइनस एल्फा प्लस टू एल्फा प्लस एल्फा अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास आता है वन ये कट हो जाएगा वन प्लस टू एल्फा ये हमारे पास टोटल डिसोशियन मोल हो गए अपने पास अब देखिए यहां एल्फा आपको क्या दे रखा है Alpha पूछा है कि डिग्री ऑफ आपको पूछा है तो मैं इसको करके कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या, जाएगा? I क्या हो जाएगा? After, कितने मोल है अपने मेरे को आई एल्फा कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे आई हमको दे रखा है आई कितना निकलेगा अपने पास यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए तो आई इजिकल वन फैक्टर आई इजिकल टू वन प्लस टू एल्फा तो वन प्लस टू एल्फा हो गया तो यहाँ एल्फाइज टू क्या होगा अपने पास एल्फा आई माइनस वन अपॉन टू को कैलकुलेट करना टू कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा अपने पास एल्फा इजिकल टू टू पॉइंट फाइव माइनस वन अपॉन टू इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो अप्रोक्स अपने पास आता है जीरो पॉइंट सेवन फाइव

उसके लिए ट्वेंटी है Kf की वैल्यू अच्छा तो अवनमन कि कितना होगा यानी हमको क्या है भैया पहले तो ये चेक करिए भैया गीवन अपने पास मोरलिटी है जो जीरो पॉइंट फाइव एम है अपने पास के एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी है भैया वन पॉइंट एट सिक्स केजी पर मोल अपने पास है तो देखिए मैं बात करता हूं जब टी जीरो टाइम तो जीरो जीरो। बाद में ये अल्फा और अल्फा में कन्वर्ट हो गया ये कितना बचेगा भैया अल्फा माइनस वन अगर मैं यहां से कैलकुलेट करें आई टू कैलकुलेट करना है तो क्या होगा वन माइनस अल्फा प्लस एल्फा प्लस अल्फा तो यहां से कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या निकलेगा वन प्लस अल्फा यह आ जाएगा अब अल्फा एल्फा ट्वेंटी परसेंट दे रखा है तो मैं यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं वन प्लस अल्फा पॉइंट टू जीरो दे रखा है इससे हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट एट सॉरी जीरो पॉइंट एट जीरो आ जाएगा अपने पास आई आईजिकल टू जीरो एगा? अब अपने को कैलकुलेट करना है भैया डेल्टा टी एफ उनमन ही तो पूछना है डेल्टा टीएफ के तो तो रखा, रखा है अगर लगभग इसको सोल्व करता हूं तो वन पॉइंट वन टू कैलविन आता है हमारे पास डेल्टा टी एफ क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ये अपने पास पूछा हिमांक में अवनमन अवनमन का मतलब क्या होता है कमी कितनी हुई तो अपने पास कमी हो गई वन पॉइंट 1.12 केल्विन यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ने ऑफ फैक्टर का ये भी अपने पास है कि HCl2 इट्स एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विल बी 80% परसेंट डिसोसिएट हो रहा है तो देखिए बेटा क्या होगा तो मैं यहाँ बात करता हूं HGC2Cl2 ये ब्रेक होता है अपने पास HGC2 2+ +2, plus, plus 2 Cl- minus. मेरे को ये बताइए यहां पे अगर मेरे को बात करूं मैं तो एन की वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ एन इजिकल टू थ्री हो गए मोल भाई यहाँ पे डिसोसिएट अपन को पूछा क्या है डायरेक्ट वन टॉप गुणांक ही पूछा है तो वन टॉप गुणांक आई इज टू क्या होता है अपने पास तो देखिए एल्फा इज टू होता है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन ये अपने पास एल्फा का एक फॉर्मूला होता है डिसोसिएट यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है टू है तो देखिए एल्फा अपने पास यहां कितना दे रहा है ये एट्टी परसेंट यानी तो एल्फा कितना हो गया जीरो पॉइंट एट जीरो देखिए जीरो पॉइंट एट इज इक्ल टू आई माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन क्लियर इसको सोल्व कर लीजिए आई माइनस वन इजल टू जीरो पॉइंट एट थ्री माइनस वन अगर यहां से मैं आई को कैलकुलेट करता हूं तो लगभग अपने मान लीजिए टू पॉइंट सिक्स आएगा

और ट्रांजिशन स्टेट डायरेक्ट स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी जब कोई माइनस आई वाला उसके जस्ट पास में माइनस आई जितना ज्यादा होगा ठीक है इसमें आपको क्वेश्चन दिया है फोर ब्यूटीन है ना तो वन ब्यूटीन फोर क्लोरो दिया आपको वन पे ब्यूटीन है बेटा और फोर पे क्या है क्लोरो पे आपसे क्या है क्लोरो क्लोरो ये देखो 1, 2, 3, 4. 4 1 ब्यूटीन नेक्स्ट आपको दिया वन क्लोरो वन ब्यूटीन 1 वन क्लोरो तो वहां यहां क्लोरीन जोड़ते हैं ठीक है और ये वन ब्यूटीन वन क्लोरो वन ब्यूटीन नेक्स्ट आपको दिया वन ब्यूटीन क्या दिया है वन ब्यूटीन तो ये वन टू थ्री फोर और यहां पे क्या बेटा वन पे क्लोरो राइट right? और नेक्स्ट आपको दिया टू क्लोरो वन ब्यूटीन टू क्लोरो वन ब्यूटीन टू क्लोरो वन ब्यूटीन है सॉरी टू क्लोरो वन ब्यूटीन

तो यहां क्या हो जाएगा? डबल, डबल आ जाएंगे पे क्या क्या? आएंगे? डबल कहा? इस राइट? तो डबल एक आपके आ आ आ रहे आ रहे बेटा? इसमें देखो, ये ये जो आपका आपका रहा है डबल बोंड करेक्टर दूसरा आप देखें तो इसमें और इसमें ये दोनों तो होंगे नहीं ये पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है ओके अब आपका क्या बचा फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में देखे तो यहां माइनस आई आपका क्या है? दूर लग रहा है माइनस जस्ट क्या लग रहा है? पास लग रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा टू वन क्लोरो मैक्सिमम रेट शो करेगा ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ आइसोमेरिक क्लोराइड विल अंडर ये हो गया बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट थर्टी थ्री एजाइड आइन इज ए वेरी गुड न्यूक्लियफाइल प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है ये भी आपकी एस एन टू मैकेनिज्म है देखो यहाँ से आपका बाहर किया जाएगा बेटा सी एस टू बी आर से बी आर क्या होगा नेगेटिव बाहर निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव किसका अटेक होगा एन थ्री नेगेटिव होगा तो एन थ्री नेगेटिव अटेक करेगा किस पे सी एस टू पॉजिटिव है ठीक है सी एस टू यह भी ट्रांजेशन स्टेट से होगा बेटा ध्यान रखना यह भी किससे होगा से आपके क्या करेगा बैक साइड करेगा आगे से क्या होगा बी आर तो ये मैकेनिज्म कौन सी होगी एस एन टू बनेगी इसमें कार्बोटा टी एस बनेगी ओके तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा थर्ड यहाँ से एन ए के साथ कौन गया बी आर और एजाइड एन का अटैक किस पे होगा सी एस टू पे तो आंसर क्या होगा बेटा थर्ड ठीक है नेक्स्ट चलते हैं आपसे पूछा रिएक्शन ऑफ सी सिक्स एच फाइव सी एच बी आर टू रखना और इसके आपको क्या दी है तो एनएच के साथ दी है तो, तो आपको कौन सा देगा सब्सटी रिएक्शन देगा कौन सी देगा सब्सटीट्यूशन नाविक ना सन प्रतिस्थापन तो यहाँ से दोनों बी आर जाएंगे किसके साथ रिप्लेस होंगे साथ आपका बन जाएगा क्या सी सिक्स एच फाइव सी एच ओएच ओएच और एक कार्बन पे दोनों एच क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं यहाँ से क्या वापसी होगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो क्या बनेगा बेटा C6H5 CHO बेंजेडाइड बन जाएगा आंसर क्या होगा आपका थर्ड आंसर राइट होगा बेंजेडाइड ठीक है थर्ड आंसर आपका क्या होगा राइट right होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो रिएक्शन दी है वो भी आपको किसके साथ करवा रहा, के के रहा है कौन सी रिएक्शन हो गई टू तो है माइनस आई तो कर रहा है, है? है। बात समझ में आ रही है ना एनो टू एफ के स दे रहा है माइनस एम दे रहा है और यहाँ बी आर के सफेक्स e ये दे रहा है माइनस आई दे रहा है तो कौन सा लग जाएगा बेटा एफ जाएगा तो ओ आयन यहां से रिमूव करेगा किसको एफ को एफ बाहर तो कौन आ गया यहाँ पे ओ एच तो प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ आ जाएगा ओ एच राइट साथ में यहाँ क्या रहेगा बी आर और यहाँ क्या रहेगा आपका एन ओ टू ठीक है फिर आप रिएक्शन किससे करा रहे हो सी एस थ्री आई से तो सी एस थ्री आई से करोगे तो H के साथ क्या जाएगा I तो सी एस थ्री तो O के साथ क्या आ जाएगा बेटा सी एस थ्री ओ के साथ क्या आएगा सी एस थ्री यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा एच बाहर और ओ के साथ क्या आएगा सी एस थ्री तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा ओसी एस थ्री बन जाएगा तो प्रोडक्ट ओ सी एस थ्री बी आर और एन टू तो सेकेंड नंबर का आंसर होगा आपका आंसर क्या होगा बेटा सेकेंड ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आपसे सीक्वेंस पूछा है ना सिक्वेंस तो आपको एल्काइन की रिएक्शन कराइए सोडा माइट के साथ एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ है सोडामाइड के साथ तो सोडामाइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहां से देखो ये क्या जाएगा एच पॉजिटिव एसिड की रिएक्शन होगी ना एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो एच पॉजिटिव तो अटैक किसका सोडियम प्लस का तो यहां ये यह बन जाएगा आपका प्रोडक्ट जो ये यह बनेगा यहां लिख देते हैं अपन सी सिक्स एच फाइव सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी के साथ यहां क्या जाएगा एन ए तो एन ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव राइट ठीक है अब उसके बाद उसने रिएक्शन क्या करवाई ये वाला बना भी आपका

लिंडलार कैटलिस्ट के, के साथ है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में लिंडलार है ध्यान रखना लिंडलार कैटलिस्ट के, पेलेडियम और बी एस ओ फोर के साथ करवाए है ना लिंडलार के साथ लिंडलार दिया हुआ है तो लिंडलार के साथ करवाएं तो ये ध्यान रखना सिस बनेगा क्या बनता है हमेशा सिस बनता है तो ये आपका बन जाएगा बेंजिन बेंजिन के बाद सी डबल बॉन्ड सी सी दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एक मोलिक्यूल हाइड्रोजन सिस पोजिशन पे ठीक है दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो सिस बनेगा और सिस आपका इसमें आंसर है कौन सा फोर्थ आंसर सिस कौन सा बेटा फोर्थ आंसर तो आपका फोर्थ आंसर क्या होगा राइट होगा ठीक है सिस बनेगा ध्यान रखना लिंडलार के साथ सिस बनता है और सोडियम सोडियमाइड जो सोडियम लिक्विड अमोनिया और उसके साथ है सोडियम के साथ है ना लिक्विड अमोनिया और सोडियम के साथ जो बर्थ रिडक्शन होता है उसमें क्या होता है एंटी बनता है

ए आपका क्या आ रहा है आइसोसाइनेट बी आपका क्या आ रहा है साइनाइड ऑप्शन थर्ड राइट होगा ऑप्शन थर्ड राइट होगा ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो अपने उसका बेटा किसका इनऑर्गेनिक का ठीक है बेटा अपने क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 ये क्या है नाइट्रोजन के मिश्रित एनहाइड्राइड नाइट्रोजन के मिश्रित व्हिच इज द फॉलोइंग मैक्स मिक्स्ड एनहाइड्रेट मिक्स का मतलब कि दो एसिड का मिक्स होना चाहिए तो अगर देखिए तो देखिए भैया एनओ टू एनओ टू होता है जो टू एनओ टू होता है अगर उसको वाटर में डिजोल्व करें तो हमारे पास बनता है नाइट्रस एसिड एच एनओ टू प्लस एच एनओ थ्री यानी ये एनओ टू होता है ये बेसिकली होता है एन टू ये अपने पास तो अपने पास मिश्रित एनहाइड्रेट क्या होगा एन ओके नेक्स्ट है कंपाउंड कंपाउंड इज कैन नॉट फॉर्म बाय से कौन सा नहीं बनता। आपको पता ही है कि जो पीटी फ्लोराइड का जो का था. के साथ, के बनते हैं है, है और ऑक्साइड और बनते हैं तो हमारे पास एक्सो एक्सई सी एल फोर नहीं बनता तो यह ध्यान रखना है नेक्स्ट है अपने पास बोरेक्स तो देखिए ये एक बोरेक्स का फॉर्मूला है इसकी रिएक्शन है डायरेक्ट एनसीआरटी के अंदर आपको पहले तो एन एड्रेस बनता है बी फोर ओ सेवन जिसको फिर हीट करते हैं यहां से एक स्टेप देखिए तो हमारे पास बनता है एन ए बी ओ टू प्लस बी टू ओ थ्री बी टू ओ थ्री बनता है इस B2O3 H2 बनता है अगर मैं इस B2O3 को MnO के साथ रिएक्शन कराता हूं तो हमारे पास Mn B O2 का हाफ ट्वाइस बनता है यानी ऑप्शन नंबर थर्ड B2O3 डायरेक्ट दिया था नेक्स्ट ये पूछा है कि भैया व्हिच इज द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट कौन सा होगा तो इनकरेक्ट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले लुईस सार का गुणधर्म लुईस बेसिक कैरेक्टर आपको पता है एनएस थ्री पे लॉनपे होता है सभी के ऊपर साइज इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है लॉन पेयर यहाँ पे लॉन पेयर क्या होता है इजी गोइंग अवेलेबिलिटी अगर बात करें तो साइज स्मॉल साइज फैक्टर करता है तो यहाँ पे क्या होता है इसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी ज्यादा हो गई यानी बेसिक करेक्टर क्या होता है डिक्रीज होते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है सही है सही सेकेंड बंद वियोजन ऊर्जा यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वही बात है एनर्जी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उसका बॉन्ड बॉन्डोशन अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा बॉन्ड बॉन्डिस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है उस हिसाब से अगर देखें तो ये भी हमारा सही है

ओके नेक्स्ट अपने बोरेक्स एन का वास्तविक प्रदर्शन क्या है यानी बोरेक्स जो होता है वो हमारे पास एक्चुअली किस प्रजेंट रहता है तो एक्चुअली हमारे पास रहता है वो एन ए टू बी फोर ओ फाइव ओ का होल फोर एट एच टू अगर मैं स्ट्रक्चर देखिए तो एनसीआरटी दे में बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे रखिए इस फॉर्म में रहता है यानी ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स में कहता है बताइए इसकी ये क्या कितने बनाएगा सीधा दिख रहा है, सारे एक तरह से अपने पास एम ए बी सी डी टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया और ये ध्यान अपने पास जामित समाता है तीन प्रदर्शित करता है यानी एक को कांस्टेंट रखिए तीन को

डेल नॉट इज लेस देन पेरिंग यानी ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो क्या होगा नहीं, नहीं, हो जम्प नहीं कर पाएगा बट यह करू क्या है कम है और सीएफएस की वैल्यू कम है तो आपको सी एफ एस सी की वैल्यू कम होती है तो क्या होता High spin complex, है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या कह सकते हैं वीक फील्ड तो हम कह सकते हैं वन टू थ्री और एक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा ऊपर तो हमारे पास क्या हो जाएगा टी टू जी थ्री इजी फॉलोइंग्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैगनेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट के हिसाब से देखिए हमारे पास है एफ ई थ्री प्लस डब्ल्यू एफ एल हमारे पास है एफ थ्री प्लस एस एफ एल हमारे पास है एफ ई टू प्लस एस एफ एल हमारे पास है एफ ई टू प्लस डब्ल्यू एफ एल अगर मैं इस हिसाब से इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूं सब में अगर आपको पता है अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूंगा इसमें फाइव आएंगे अगर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन करता हूं तो वन आता है और इसमें इलेक्ट्रेट जीरो आएगा जबकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर आता है ठीक है इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास रूट थर्टी फाइव आएगा इसका कैलकुलेशन करें तो इसका आता है अपने पास रूट थ्री और इसका जीरो आ जाएगा लगभग और इसका आएगा रूट थर्टी इस हिसाब से अगर कर कैलकुलेट करें तो सबसे कम तो हो गया सी से फिर अपने पास जाएगा बी का सबसे कम फिर जाएगा अपने पास ए uh, कालकुलेटर और मैग्नेटिक्ल एन टू का रूट ये फॉर्मूला है डायरेक्ट कितने कैलकुलेट करने हैं यानी ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट है कि टू कॉम्प्लेक्स आर गिवन बिलो ये नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स है कैसे तो सीधा सा है देखिए ये हमारे पास किस टाइप का हो गया एम ए ए का हॉल्टवाइ ए टू ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपको पता देखो सेम डिफरेंट अपोजिट साइड है ए अपोजिट है इसमें देखिए अपोजिट है ये भी सेम है दोनों एक ही सब एक समान है तो यानी क्या हो गए सेम अणु हो गए यानी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है दोनों एक दूसरे के नेक्स्ट है फोर्टी एट मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ बिटवीन द सीओ मेटल कार्बोनिल आपको पता है मेटल कार्बोनिल के अंदर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा हो बैक बॉन्डिंग देखेंगे तो उतनी क्या होगा बॉन्ड पूछी पूछिए इसने देखो सीओ बॉन्ड लेंथ है यानी ये बॉन्ड होती है ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है मैक्सिमम पूछा है तो ये मिनिमम कब होगी ये चेक करना है तो यहाँ सेंट्रल मेटल पहले मेटल की बात करें तो माइनस वन है सेकेंड की बात करेंगे करें तो 0 है और उसकी बात करें तो प्लस है तो अगर ऑर्डर की बात करें तो टू माइनस वी माइनस वी जीरो और वी प्लस वन अगर बैक बॉन्डिंग की बात करें तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है नेगेटिव में तो हमारे पास क्या एम, एम सी बॉन्ड बनेगा यानी बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी इनमें बॉन्ड कम बनेगा कम बनेगा मतलब तो बढ़, बढ़ जाएगी तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एग्जाम्पल विज द पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक के लिए भैया एफ ई फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास एफ टू प्लस सेकेंड है क्रोमियम थ्री प्लस फोर्थ ऑप्शन है सी आर थ्री प्लस और फिफ्थ ऑप्शन है पीटी टू प्लस इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर अपने पास कॉनिफिकेशन हो गया डी सिक्स यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे जीरो इसमें होता है डी थ्री और इसका भी डी थ्री तो दोनों की अगर बात करूं तो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थ्री ये प्लेटिनम होता है इसके लिए कोई वीक और ये तो डी एस पी टू होता है इसमें भी अपने पास डी एट है बट इसका एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो तो अपने पास जो क्लियर है तो ये सेकेंड

सपोज करो सिस और ट्रांसफॉर्म में या ज्योमेट्रिकल में जाता हूँ तो वैसे ही ये सेम है कोई चेंज नहीं आएगा इसमें जो डो, डोनर आइटम है वो डिफरेंट है तो ये क्या करेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकली दोनों ही शो करते हैं मतलब थर्ड ऑप्शन हो गया ठीक है इसके हम ये उम्मीद करते हैं आपका ये टेस्ट अच्छा गया होगा ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग मैं राजेश कसवा टीम बोटनी सी एल सी सीकर से आज हम टेक्नो 23 के जॉन सेकंड के ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी के पार्ट सी में बोटनी से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 वन पोली एम्ब्रियोनी रेफर्स अक्रेंस ऑफ क्वेश्चन है बहुगुणता संदर्भित करती है हम जानते हैं कि बहुगुणता क्या होता है भाई एक ही सीड में एक से अधिक यदि एम्ब्रियो परजेंट होते हैं एक ही सीड हो उसमें एम्ब्रियो क्या हो एम्ब्रियो मोर देन वन हो मोर देन वन हो तो उसको क्या कहते हैं भाई पोली एम्ब्रियोनी तो ऑप्शन देखते हैं मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड सही स्टेटमेंट है एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की प्राप्ति को पोलियोब्रियो नहीं कहते हैं मैनी एम्ब्रियो इन एन एम्ब्रियो एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक में एक से अधिक एम्ब्रियो हो ये जरूरी नहीं है भूण कोश में एक से में अनेक भ्रूण की प्राप भ्रूण की प्राप्ति, प्राप्ति गलत स्टेटमेंट है मैनी एम्ब्रियो इन ए प्लांट स्पीसीज ये हो सकता है बट अलग अलग शीर्ष में होगा इसलिए ये भी स्टेटमेंट एक पादप प्रजाति में अनेक की प्राप्ति ये भी गलत स्टेटमेंट है के संदर्भ में मैनी एम्ब्रियो इन एनओवेरी यह भी गलत स्टेटमेंट है एक अंडाशय में अनेक हूं की प्राप्ति हो सकती है बट पोलियोनी के संदर्भ में ये गलत है तो इसका सही आंसर जा रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कोलम कोलम स्तंभों का मिलान कीजिए स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड यह क्वेश्चन सेकंड। इसमें एक है, कोलम में ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं और दूसरे कोलम में उनके सामने उनके द्वारा दर्शाए जाने वाले जो एक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स हैं वो दी गई हैं तो फर्स्ट है पेनिसिलियम हम जानते हैं कि पेनिसिलियम में क्या बनते हैं कॉनिडिया बनते हैं तो पेनिसिलियम से कौन मैच कर रहा है भाई बी से मैच कर रहा है सी अच्छा एगेव में हम जानते हैं कि बुलबिल्स बनते हैं क्या बनते हैं भाई बुलबिल्स पत्थर कलिकाएं पेनिसिलियम में मिलता है कौन कोनिडिया सी अगेव में बनती है पत्थर कलिकाएं पर कलिकाएं यानी बी तथा वाटर हाइसिंथ में हम जानते हैं कि क्या बनता है बनता है तो वाटर हाइसिंथ में बनता है ऑपसेट तो इसका मैचिंग होगा ऑपसैट ए जल जलकुंभी में ओपसेट ए बनता है इसलिए ए हाइड्रा में हम जानते हैं कि बर्ड्स द्वारा क्या होता है सेक्स एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसका यदि देखा जाए तो बर्ड्स यानी कली का में बनती है तो इसका सही मैचिंग देखी जाए तो पी के साथ में सी क्यू के साथ में बी आर वाटर हाइसिंथ यानी आर के साथ में ए और एस के साथ में डी ऐसा मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पी के साथ सी परंतु क्यू के साथ में डी है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया सेकेंड ऑप्शन में देखा जाए तो पी से सी क्यू से बी आर से ए सही है और एस से डी ये सही ऑप्शन जा रहा है नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं थर्ड पी से डी ये गलत हो गया इसी के बेसिस पर ये गलत है पी से डी इस पर ये गलत हो गया तो सही है पी से सी क्यू से डी इसके बेसिस पर ये गलत ऑप्शन हो गया इसी प्रकार से पी से सी क्यू से डी B और आर से ए और एस से डी ये सही ऑप्शन जा रहा है ये ऑप्शन गलत है पी से डी पी से डी होने के कारण ये दोनों ऑप्शन गलत है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जा रहा है आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। स्तंभ फर्स्ट व स्तंभ सेकंड का मिलान कीजिए स्तंभ फर्स्ट में मोनोसियस और डायोसियस पी और क्यू के रूप में दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स की स्थितियां दे रखी है क्या है स्तंभ फर्स्ट में दी लिंगाश्री एक लिंगाश्री दी लिंगाश्री ऐसे पादप होते हैं जिनमें एक ही पादप में दोनों क्या बनते हैं भाई नर और मादा जन्नाक एक ही पादप पर होते हैं जबकि डायोसियस या एक लिंगाश्री ऐसे पादप होते हैं जिनमें अलग अलग पादपों में क्या पाया जाता है भाई मोनोस यानी पुंकेसर और स्त्री केसर पाया जाता है तो यहां पर मोनोसियस प्लांट है यदि देखा जाए तो डायोसियस का यदि एग्जाम्पल देखा जाए कारा है है कुकरबिटस है पाइनस और मेज है इनमें से डायोसियस प्लांट यदि देखा जाए तो डायोसियस प्लांट एकमात्र कौन है भाई मार्केंसिया है कौन है मार्केंसिया बाकी कारा मोनोसियस है मोनोसियस का उदाहरण है कारा है है डी और मेज यानी मक्का भी क्या है भाई मोनोसियस है यानी डायोसियस प्लांट एकमात्र कौन है बी है इधर देखा जाए तो कारा डीलिंग आसरी है ये किससे मैच हो रहा है बी मैच हो रहा है एक लिंग आश्री से यानी बी एक लिंग आश्री है बाकी सी दी लिंगाश्री है पाइनस डी क्या है भाई दी लिंगाश्री है और मक्का बी क्या है भाई दी लिंगाश्री है तो एक पी के साथ में क्या हो ए सी डी ई पी के साथ में ए सी डी ई ए सी डी सेकेंड ऑप्शन में देखा जाए तो पी के साथ में ए सी एंड डी ए सी एंड ई है इसके कारण फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो ए बी एंड सी एंड डी है इसके बस पर ये गलत हो गया सेकेंड ऑप्शन देखा जाए ए सी एंड ई है और यहां बी एंड डी है जबकि क्यू में केवल ए की है कौन सा प्लांट है भाई मार्केशिया इसलिए क्यू में केवल बी हो वो ऑप्शन केवल किस में है भाई थर्ड में ए और पी में कौन है भाई ए सी डी ई इसलिए थर्ड ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है सही ऑप्शन क्या जा रहा है थर्ड जबकि फोर्थ देखा जाए तो ए सी डी एंड बी किसके साथ पी के साथ मैच है जो कि नहीं हो सकता इसलिए इसका सही आंसर कौन जा रहा है भाई क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टाइप ऑफ में किस प्रकार का प्रागण पाया जाता है हम जानते हैं कि वेलिस में प्रागण किस प्रकार का होता है एक जलीय पादप है जिसमें क्या होती है जो उंकेसर होते हैं वो छोटे होते हैं और टूटकर जल की सतह पर आ जाते हैं ऐसे नर और स्त्री केसर होती है उस वो एक फीते नुमा के रूप में होती है जैसे ही मेचूर होती है तो उसकी वर्ती कागर किस पर आ जाती है भाई जल की सतह पर यहाँ से पोलन ग्रेन जल के थ्रू किधर तक जाते हैं भाई स्त्री के सर तक जाते हैं और यहाँ पोलिनेशन होता है तो पोलिनेशन अकर इन सम्मार्गड कंडीशन बाई वाटर सम्मार्गड कंडीशन में न होकर किस पर होता है भाई सतह पर होता है प्रागण जल द्वारा निमग्न स्थिति यानी जल के अंदर न होकर जल की सतह पर होता है इसलिए ये ऑप्शन गलत है सेकंड ऑप्शन आ रहा है फ्लावर इमरेज अबाउट सरफेस ऑफ वाटर एंड पोलिनेशन अकर बाई इंसेक्ट इंसेक्ट के द्वारा नहीं होता है फ्लावर से जल से बाहर निकले होते हैं परंतु प्रागण कीटों के द्वारा नहीं होता है इसलिए ऑप्शन गलत है फ्लावर्स

पानी की सतह पर स्थित होते हैं ऐसी कैसी एनसीआरटी में लाइन है तो यह ऑप्शन सही है तो इसका सही ऑप्शन जा रहा है कौन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर तो इसका आंसर होगा फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पेरिस्प्रम डिफर फ्रॉम एंडोस्प्रम इन परिभूणपोस भूणपोष से भिन्न है हम जानते हैं कि पोष होता है कौन एंडोस्प्रम होता है वो क्या होता है भाई थ्री एन होता है जबकि जो पेरिस प्रम कौन है पेरिस प्रम है वो पाइपर नाइग्रम यानी काली मिर्च में किसका न्यूसेल्स का कि उसका भाई न्यूसेल्स का रिमेनिंग पार्ट है और सेल्स क्या होता है भाई 2n होता है कैसा होता है 2n टिश्यू होता है तो इसके ऑप्शन आ रहे हैं फर्स्ट है बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू अच्छा न्यू सेल्स क्या है पेरिस्प्रम न्यू सेल्स है इसलिए ये 2n है जबकि एंडोस्प्रम कैसा है भाई 3n होता है इसलिए डिफरेंस है डी गुणित तक होने से सही बात है बट सेकंड ऑप्शन लेते हैं ए फॉर्मेशन इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस सेवरल नो ऐसा नहीं हो, होता है इसके कु, इसके कुछ शुक्राणों के द्वितीय केंद्र के साथ संयुक्त होने से बनने बनता है ये एक्चुअल में में किसके बारे में बात की जा रही है भाई एंडोस्प्रम के बारे में बात की जा रही है जबकि पूछा गया है पेरिस्प्रम के बारे में बीइंग ए हैप्लोइड टिश्यू हैप्लोइड न होकर कैसा होता है द्विगुणित तो होता है यानी डिप्लोइड होता है एगुणित तो उत्तक होने में नहीं हैविंग नो रिजर्व ऑफ फूड ये रिजर्व फूड नहीं रखता है जबकि ये क्या होता है न्यू सेल्स सेल्स रिजर्व ऑफ फूड रखती हैं इसलिए ये भी नहीं है तो इसका सही आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हेलो डियर स्टूडेंट्स माय सेल्फ भरत दादीश जूलॉजी फैकल्टी हम आज टेक्नो 23 इसका जूलॉजी का वन सॉल्यूशन देख लें 12th क्लास का इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं वन ये जेनेटिक्स से हैं देखियो क्या है इसमें यहाँ पूछा गया है गिवन लिस्ट सम सम ऑफ़ पी प्लांट ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें आइडेंटिफाई करना है जैसे मान लो आपने देखा एक नंबर दो नंबर फिर इसके बाद तीन नंबर चार नंबर और ये पाँच नंबर यहां से आपने देखा कि क्या क्या आ सकता है क्या इसमें आज, आंसर आएंगे अपन चेक करते हैं बेटा यहां देखो क्या होता है सबसे पहले इसे पूछा है सीड सेप अब सीड सेप राउंड होता है और फिर दूसरा कौन सा होता है रिंकल्ड तो इसको यहीं पर अपन पूरा कर लेते हैं ये कौन सा हो गया रिंकल्ड हो गया फिर उसके बाद में ये क्रोमोजोम नंबर्स सेवन तो इसको अपन बाद में फिर उसके बाद फ्लोवर कलर तो आपको मालूम है ये फ्लोवर कलर के रूप में पहला कौन सा जैसे कि डोमिनेंट है तो ये कौन सा हो गया एज ए वॉयलेट कलर हो गया ये हो गया वॉयलेट कलर उसके बाद में फिर पूछा गया दूसरा वॉयलेट के बाद वाइट और फिर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कौन सा है भाई देखो एक नंबर तो ये हो गया दूसरा नंबर ये हो गया थर्ड पे कौन सा है तो यहाँ पर फ्लोर कलर के रूप में देखते हैं बेटा तो एक नंबर वाला जो होता है वो यहाँ पर फ्लोर कलर के रूप में जाना जाता है फिर उसके बाद देखो यहाँ से पोर्ट सेप या तो ये तो देखो डोमिनेंट हो गया फुल और दूसरा कौन सा है कैसा है ये तो यहाँ पर जो पिचका हुआ पार्ट होता है जिसे अपन कहेंगे सुकड़ी हुई या कॉन्ट्रेस्ट ये वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर फिर उसके बाद चार हो गया पांच पे क्या है एक्सेल और दूसरा कौन सा है टर्मिनल तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है मतलब क्या है ये तो ये फ्लोर पोजीशन के रूप में जाना जा रहा है भाई यहाँ से भाई पोर्ट पोजीशन कहें फ्लोर पोजीशन कहें जैसे अपन मालूम चला तो इसमें देखो अब क्या है और नंबर यहाँ पर कौन सा करता है चार नंबर के रूप में करता है तो यहाँ पर कौन कौन से आए वो देखो आप बेटा सबसे पहले देखो पहले में हो गया रिंगकल्ट सही बात है दूसरा नंबर पे वायट हो गया तीसरे पे नंबर ऑफ में एक नंबर हो गया फिर चार नंबर पे कॉन्ट्रास्ट हो गया पांच पे फ्लोर पोजीशन आ गई फिर छह पे आपने देखा ये टर्मिनल हो गया और सात पे नंबर यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर फोर आ गए तब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूं जिससे आप आराम से निकाल सके ध्यान रखें यहाँ वन फोर फाइव सेवन ये जो नंबर है अब इसके सामने लगा देते हैं अपन कितने टू थ्री वन वन ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है और ये क्या है ट्रेड है अब जैसे मान लो नंबर एक है वो दो नंबर के ट्रेड क्रॉस करता है कौन सा जैसे फॉरवर्ड यहाँ पर अपन ने क्लास ऐसे लिखा यहाँ पॉड कलर वहाँ फ्लोअर कलर और सीड कलर तो एक नंबर क्रोमोजोम्स में दो हो गए फिर दूसरा है जैसे मान लो चार तो यहाँ तीन ट्रेड हो गए तो तीन ट्रेड में कौन से हो गए जैसे कि यहाँ पर अपन ने लिखा पी एफ यहाँ पर लिखते हैं एच पी और एस अब यहाँ देखो प्लांट हाइट है फ्लोर पोजिशन है पोड शेप है तो ये कितने पे चला गया चार पे और फिर आया पाँच पे तो इसे पी के रूप में अपन जान लेते हैं मतलब पोर्ड कलर के रूप में और सेवन में कौन सा हो गया एस एस तो ये है आपके सामने है मतलब इससे अपन नंबर ऑफ क्रोमोजॉम्स और ट्रेड देख सकते हैं और ट्रेड आपको मालूम है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है और यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पूछे तो यहाँ पहला कौन सा हो गया कि जैसे बीज क्या करती गोल और डोमिनेट किसी का रिशेसिव कौन सा हो गया तो ज़ुरीदार तो पहला ही हो गया दूसरा कौन सा है यहां फिर पुष्प का रंग है भेंगनी ये डोमिनेंट होता है तो दो पे आ गया फिर तीन नंबर पर अपन ने देखा कौन सा है गुणसूत्र नंबर पे तो यहाँ पर कौन सा हो गया एक नंबर फिर उसके बाद में फली की आकृति फूली हुई या शिकी हुई तो इसका मतलब शिकड़ी हुई यहाँ आ रही है फिर आ रहा है पुष्प की स्थिति यहाँ पर पुष्प की स्थिति पांच पे आ गई ये भी सही हो गया फिर एक तो कौन सा हो गया एक्जिल टाइप का हो गया अक्षीय और दूसरा कौन सा है टर्मिनल रूप में आ रहा है तो इसका मतलब और फिर चार सात नंबर पर कौन सा हो गया नंबर चार नंबर का क्रोमोज इसका मतलब इसका आंसर कौन सा लग गया बेटा फर्स्ट इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी एन सी आर टी का ही है आपको मालूम है और ये पहले फॉर्म में ही इसको शो करके समझाने की कोशिश की है चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ दूसरा पॉइंट है बेटा देखो क्या है यहाँ पर अगले ने पूछा है यहाँ पर देखो क्या है कि हाउ मेनी करेक्टर हाउ मेनी गिवन करेक्टर ऑफ गार्डन पी एक्सप्रेसड बोथ इन होमोजाइगस एंड हिट्रोजाइगस स्टेज अब आप जानते हैं बेटा कि इसमें कौन से ऐसे हैं जो दोनों की स्टेज देखो टर्मिनल कौन सा हो गया एज ए मतलब यहाँ पर एक तरह से हो स्टेप के रूप में जैसे ये ग्रीन है या बीस की यहां पर बगैर मान लो फली का रंग है, ही है और यहाँ पर जैसे फली पूरी होगी यहां पर बैंगनी रंग इसका मतलब ये और दूसरा कौन सा है तो देखो यहां पर आपने देखा कि मान लो कलर है तो यहां पर जैसे मान लो वॉयलेट कलर है अपन होगा से मान ले तो इसका मतलब ये है और दूसरा तने में ये स्टेप आती है तो इसका मतलब हिट्रोजाइगस स्टेज यहाँ पर देखा जाता है और डोमिनेंस भी देखी जाए तो जैसे वॉयलेट वॉयलेट मान लिया या यहां पर यह मान लिया तो दो करेक्टर ऐसे हैं यहाँ पर जो आपके सामने क्लियर करते हैं तो कितने ऐसे करेक्टर है हाउ मेनी करेक्टर गार्डन पी में जो कि होमोजाइगस एंड कंडीशन को शो कर रहे हैं तो बेटा यहाँ वॉयलेट और टॉल प्लांट दो ही हैं बाकी नहीं है इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट चला जाता है तो और मुझे उम्मीद है कि आपने सही भी किया है इसको फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने आया बेटा इसमें पूछा है कि वाई डज एन एलिफेंट ऑलवेज गिवन बर्थ टू द बेबी एलिफेंट एक हाथी हमेशा शिशु हाथी को जन्म क्यों देता है आप जानते हो बेटा कि ये एक तरह से इनहेरिटेंस स्टेप में होता है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है और 99.9 स्पेशली उसके पेरेंटल कैरेक्टर के रूप में होता है 0.1 यहाँ डिफरेंटेड होता है तो इसका मतलब ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा यहाँ पर देयर आर द इनहेरिटेंटेड दैट द ट्रांसफॉर्म टू तो पेरेंट टॉप तो इट प्रोसीडिंग दे आर 99 परसेंट यहाँ से 99.9 सेम एज दैट पेरेंट्स ओनली 0.1 इज डिफरेंटेड इसका मतलब इसमें फर्स्ट आंसर चला जाता है कुछ वंशगत होने वाले लक्षण जो जनकों में उसकी संतति में स्थानांतरित होते हैं 99.9 जनकों में समान तरह मतलब केवल 0.1% भिन्न इसका मतलब यहाँ वन आंसर चला जाता है फिर नेक्स्ट यहाँ से आता है बेटा जिसको हम देखते हैं इसमें पूछा गया बेटा कि इस ए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब यहां इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपको देखना है कौन सा है अब देखो कौन सा है

क्रोमोज़ोम्स के दो जोड़ों में मेथापेस पट्टिका से एक दूसरे से ऊपर स्वतंत्र रूप से पहुंचते हैं पॉल की तरफ और ये भी बिल्कुल सही हुआ ये भी सही हुआ उसके बाद अपन थर्ड पे चलते हैं कि बीटा जो थैलेसमिया है क्रोमोज़ोम नंबर यहाँ से इट कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन ए एंड बी ठीक है यहां तक तो ऑन द क्रोमोजोम नंबर इलेवन बेटा यहां सिक्सटीन देखो सोलह होता तो आंसर सही होता है इसका मतलब यही गलत है और इसने गलत ही पूछा है इसका मतलब आंसर कौन सा चला गया इसका थर्ड चला जाता है फिर भी आगे और देख लेते हैं क्या है कि म्यूटेंट है म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडर अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तन हमेशा हीमोग्लोबिन का क्या लेके चलता है फिर उसके बाद देखते हैं बेटा यहां से next, यहां ये जेनेटिक्स का ही है चार्ट के हिसाब से आप आंसर देखते हैं देखो क्या है इन डिग्री फैमिली कि नीचे दिए यहाँ किसी परिवार में सेल एनीमिया संबंधित प्रदर्शन किया गया है दर्शाया गया है और क्या पूछा है इसमें कि इन दिस आर बी सी ऑफ बॉथ पेरेंट्स विल बी कैसी हो सकती है इनमें आर बी सी दोनों जनकों में आर बी सी कैसी होगी देखो बेटा अगर मान लो यहाँ हम यूँ कहते हैं कि एच बी ए और एच बी अगर ए तो इसका मतलब यहां पर या एच बी ए यहाँ पर और एच बी एस की स्टेप है मान लो तो यहां पर देखो यहां ऐसी कंडीशन होती एच बी तो यहां पर डिजीज जो आ रही है या यहां पर मान लो डिजीज आ रही है तो हिट्रोजैगस कंडीशन तो आपके सामने यहां मिलती ही है और यहां पर अगला कह रहा है सामान्य सामान्य होता तो बेटा नीचे बीमारी ही नहीं आती फिर एनालिसिस में दूसरा है सिक्किल सेल तो यहां तो आपको मालूम है यहां जस्ट ये पहले से ही आ, डेथ वाली स्टेज होती अब बचा कौन सा कि कैसे हो सकते हैं देखो नॉर्मल कंडीशन प्लस दूसरा कौन सा है यहाँ से एक तरह से, ए, से रूप में होना है तो इसका मतलब यहाँ क्या कह रहा है बहुत नॉर्मल एंड स्किल्ड यहाँ पर कह रहा है कि स्पेशली जो ए, ए, स्टेप है कि यहाँ सिकल सेलिंग में दी गई वंशावली में क्या है इन दोनों जनकों में आर कैसी हो सकती है बेटा आर बी यहाँ पर कैसा हो सकता है जैसे एच एस के स्टेप में है तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है और नीचे जैसे मान लो दोनों जनकों में यह स्टेप आ रही है आर बी ए और एच बी ए और एच बी एस इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल प्लस सिकल सेप्ट के रूप में यहाँ देखने को मिलता है तो यहाँ पर स्पेशली आपने देखा कि ये जो पार्ट है जिसके आधार पर देखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल प्लस गिल्ड के रूप में देख लिया जाता है तो यहाँ पर आप देखते हैं स्पेशली जो है इसमें तो सामान्य तथा हसिया दोनों के रूप में यहाँ पर आते हैं क्योंकि नीचे तो आपको मालूम है एच बी एस की स्टेप होगी अब यहाँ पर अगर मान लो ऐसी कंडीशन आई है तो देखो एच बी ए आया है यहाँ फिर एच बी क्योंकि यहाँ से देखो एच बी ए प्लस एच बी ए आया है तो नॉर्मल हुआ है ना इसका मतलब नॉर्मल भी है फिर यहाँ डिजीज़ आई है तो इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन भी है और यहाँ पर आया है तो इसका मतलब इट्रोजैगस कंडीशन के रूप में मिल रहा है तो इट्रोजैगस कंडीशन आपके दिखी रही है यहाँ पर फिर नेक्स्ट देखो यहाँ अपन देखते हैं जिसको अपन इस प्रकार से शो करेंगे कि बॉर्थिनल ग्लैंड आर द स्वेटेड बॉर्थिनल ग्रंथ यहाँ कहाँ स्थित होती है बेटा आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे मान लो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे मान लो वेजनल फॉर्म पर यहाँ पर ये दो स्पेशली यहाँ ग्लैंड के रूप में जो स्टेप है जिसको अपन ने कहा कि यहाँ पर जो प्रजेंट है तो यहाँ हम कहेंगे ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन द होमोसिपियंस या मानव में दोनों तरफ से यहाँ पर देखने को मिलती है इसका मतलब इसका आंसर तीन चला जाता है फिर देखो नेक्स्ट यहाँ से ये आया बेटा इसको अपन ने कहा क्या आप कि नॉर्मल द फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्पम मस्ट हैव नॉर्मल एंड साइज कि uh, यहाँ पर कितना मतलब uh, सामान्य उर्वरता के लिए कितने प्रतिशत शुक्राणु सामान्य आकार के वकृति के होने चाहिए बेटा आपने एनसीआर में डेफिनेट देखा है 60 परसेंट जो होते हैं 60 परसेंट है वो यहाँ पर होते हैं इनके भी 40 परसेंट होते हैं वो आपको मिलते हैं यहाँ पर इस प्रकार की रेंज में तो इसका मतलब आपको ये देखना है फिर उसके बाद आपके आज नेक्स्ट आता है जिसको आपने देखा बेटा कि यहाँ से मेस द कोलम वाला है क्या होता है अब देखो यहां से पहला अपन ने देखा ऑक्सीटोसिन अब आप जानते हो ये एक तरह से मिल्क एक ग्रुप में है और ये के यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन लेबर पेन के दौरान देखने को मिलता है तो इसका मतलब आप जानते हैं बेटा कि यहाँ पर आपने देखा ऑक्सीटोक्सिन जो है वो यूट कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग द लेबर इसका मतलब एस की स्टेप यहाँ पर मिली फिर प्रोलेटिन है तो यहां पर आपने देखा बेटा कि यहाँ मिल्क सेक्रेशन के रूप में बनता है वैसे है लेकिन और दूसरे और भी आप देखते हैं तो है यहां पर। तो है पर ल्यूटिलाइजिंग स्पेशली क्या करता है एल एस सर्स के रूप में यहाँ पर क्या करेगा ये स्टेमुलेशन ऑफ द देशन के रूप में जाना जाएगा अब आपके पास प्रोजेस्ट्रॉन है प्रोजेस्ट्रॉन क्या है इन प्लानेशन एंड में प्रेगनेंसी इसका मतलब क्यों यहां आ जाता है अब देखो यहाँ एस से दूसरा आर और पी और क्यू देखो बेटा फर्स्ट में ही मिल जाता है कि यहाँ एस फिर दूसरा आर दूसर, फिर भी उसके बाद में पी और क्यू यही है यहाँ तो और में तो आपको मालूम है यहाँ चेंज हो जाता है और इनमें तो यही चेंज है तो इसका मतलब आप जानते हो ये तो यहाँ फर्स्ट आंसर चला जाता है इस प्रकार से इसको मैच करना था आपको और फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ से आपने देखा एक, कि विच ऑफ द फॉइंग इज इवेंट्स इज करेक्टली मेस्ड विद द टाइम पीरियड इन नॉर्मल मैं यहाँ पर पूछा एक सामान्य रजोर चक्र के दौरान इनमें से कौन सी एक घटना जो उनके सही समय काल के साथ मिलाया जाता है आप देखिए बेटा इसको किस तरीके से देखो रिलीज ऑव फिफ्थ डे इसका मतलब ये तो बेटा गलत हो गया क्योंकि देखो 14 डेज पे होता है इसका मतलब ये तो गलत है दूसरा क्योंकि यहाँ ही बताना है आपको क्योंकि यहाँ से करेक्टली इवेंट्स पूछा गया है फिर उसके बाद में दूसरा है एंट्रोमेट्रियम रीजनरेट तो यहां देखो बेटा एंड्रोमेट्रियम वापस से यहां आ, आ, हो बन रही है तो बेटा टू डेज पे क्योंकि एट पे तो वैसे ही की स्टेप है 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 तो तो इसका इसका मतलब मतलब ये ये बनी हुई होती है। फिर कह रहा है, तो इसका मतलब ये सही हुआ फिर कह रहा है एंड्रोमेट्रियम सिक्रेट न्यूट्रिशन फॉर द इनप्लांटेशन इलेवन टू फोर्टीन डेज नहीं बेटा उसके बाद इनप्ल्टेशन स्टेप में आप देखते हो फोर्टीन डेज यहां नहीं है न्यूट्रिशन पूरे स्टेप पर लेकर चलता है कि रोपण हेतु अंत

सही ढंग से इसको देखा होगा तो डेफिनेट आपको मालूम चल ही रहा है बेटा उसके बाद देखो नेक्स्ट यहां से आया फिर यहां आता है बेटा क्या इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ एज लाइक ह्यूमन बीइंग्स व्हाट हैपन इन ओवेरी बिफोर ओवुलेशन करस्पोंडिंग मनुष्य के आवर्त ये आर्थ चक्र या साइकिल में, में अंडा से में अंड से पहले अंत स्तर प्रचोदन के तदनुसार क्या होगा बेटा आप जानते हैं कि जैसे मान लो ये यहाँ पर 14 डेज है यहाँ 14 डेज पर क्या होता है बेटा या एल सर्च के रूप में आता है यहाँ क्या होता है ओवलेशन अब इसके ये कह रहा है उससे पहले की स्टेप में क्या होता है तो देखो प्राइमरी फॉलिकल है सेकेंडरी फॉलिकल है ट्रसरी फॉलिकल है ग्रेफियन फॉलिकल्स है ये वाले पार्ट बनते हैं तो इसका मतलब यहां पर इनके बारे में ही आंसर देखना है तो देखो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल ये पहला ही आंसर चला जाता है फिर यह कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस कॉर्पसड्यूटियम ये तो बाद में हो रहा है प्रोग्रेसिव कॉर्पस कॉर्पस्यूटियम ये भी आपको मालूम है पिंड का हस ये भी बाद में हो रहा है फिर डिस से यहाँ से जो पार्ट बना है कि विखंडन हो रहा है एंडोमिटियम का तो इसका मतलब ये भी एक तरह से स्टेप आ, स्टार्टिंग वाली स्टेप होती है तो यहां पर जो अंडा से से अंडोजन से पहले पहले की स्टेप है तो सबसे पहले आपने देखा ग्रेफियंस जो पुट्टिका का होता है उसका निर्माण देखने को मिल जाता है इसमें पहला आंसर चला जाता है फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट यहां पर ये दिया हुआ डायग्राम है ये का ही डायग्राम है बेटा इसमें देखो क्या है आइडेंटिफाई द गिवन कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब दिए गए जो डायग्राम है या जो आपको दिखाई दे रहा है कि गर्भ निरोधक को पहचानी है आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि ये नॉर् प्लांट के रूप में जाना जाता है इसका मतलब पहला ही आंसर यहाँ आप देख लेते हैं ये चला जाता है फिर कह रहा है एबेरियर कॉन्ट्रस्टसिप फिर उसके बाद में इंजेक्टेबल कॉन्ट्रेक्सिप हार्मोनल डिवाइस से यहाँ से यू ये सब देखो ये इसके में स्पेशली क्या होता है सिलिकन्स के पार्ट होते हैं यहाँ स्पेशली कट करके आम वाले पार्ट पे इसको इंसर्ट किया जाता है तो इसका मतलब ये क्या है एक तरह से नॉर्थ प्लांट तो इसमें पहला ही आंसर जा रहा है इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहां से आपके सामने आया कि यहां पर विच ऑफ द फॉइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डेफिनेट एक्शन ऑफ द कॉन्टेप्ट निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक की उचित अनुक्रिया नहीं है मतलब कौन सा ऐसा है जो कि यहां पर सही नहीं है अब देखो पहला यहां इंट्रायुटनाइट डिवाइस इन यू डी के रूप में या आई यूडी के रूप में अपन देखते हैं इंट्रा यूटनाइल डिवाइस तो इंक्रीजिंग द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पम बिल्कुल सही बात है सुप्रेस स्पम मोबिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी बिल्कुल सही बात है फिर क्या हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है प्रिवेंट द एवलेशन एंड फर्टिलाइजेशन ये भी बिल्कुल सही बात है फिर वेस्टोमी जो होती है प्रिवेंट द स्पर्मेटोजिनेसिस बेटा यह गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेप तो होती है बस स्पर्म यहाँ आगे नहीं आ पाते क्योंकि इसको वैश्विकों तो से अपन दोनों तरफ काट के आपको मालूम है बांध देते हैं तो उस दौरान स्पेशली ये जो है यही ही यहाँ उचित नहीं है जो कि स्पेशली शुक्रवाहिनी का के विच्छेदन से शुक्र जनन का रोकना ये बिल्कुल गलत हुआ फिर कह रहा है बैरियर मेथड प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ये भी सही हुआ है इसका मतलब यहाँ पहला दूसरा और तीसरा सही है

दो नंबर फिर कॉपर यू के रूप में देखो सी यू कॉपर टी कॉपर सेवन एंड मल्टीलोड थर्ड थ्री सेवन फाइव तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला आंसर आया हार्मोनल डिवाइस में है तो यहाँ आपको मालूम है एल एन जी ट्वेंटी बिल्कुल यहाँ एक रजिस्ट्रेड के रूप में एल एन जी ट्वेंटी हारमोनल डिवाइस है तो इसमें फर्स्ट आ जाता है तो दो तीन एक किस में है दो तीन एक अब देखो यहाँ पर आपको मालूम है ए में दो इसमें नहीं है इसमें नहीं है दो में है फिर उसके बाद में तीन और एक इसका मतलब यहाँ पर आपको ए, दो तीन एक आप देखते हैं आपको तीन में मिल जाता है फिर उसके बाद देखो बेटा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पूछा गया कि यहाँ पर यह गिवन डायग्राम ए, शो ट्यूब ऑफ द फॉर वुमेन यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है दिए गए चित्र जो कि चार महिलाओं में पी क्यू आर एस के फेलोफियन नलिका को दिखाता है और इसमें पूछा है कि वर्तमान में कितनी दो महिलाओं में निषेचन असंभव है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो ब्लॉक किया हुआ है या कट किया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है तो देखो इसमें क्या होता है देखो किसमें नहीं है संभव नहीं है नॉट पॉसिबल यहां से जो पॉसिबल नहीं है दो में दो डायग्राम में तो देखो बेटा इसमें पार्सली ब्लोकेज इसका मतलब इसमें तो हो सकता है दूसरा इसमें कंप्लीट है लेकिन ये देखो बिल्कुल यहां से जा सकता है इसका मतलब इसमें हो सकता है अब देखो यहाँ कंप्लीट ब्लॉकेज दोनों तरफ है तो इसका मतलब इसमें संभव नहीं है दूसरा यहाँ कट करके बांध ही दिया इसका मतलब इसमें नहीं है तो आर और एस

ये सह अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं दूसरा है दे आरियर आर फॉर इंसेमिनेशन ये के लिए प्रभावी अवरोधक होते हैं तीसरा है दे प्रिवेंट द डीज ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकते हैं ये तीनों पॉइंट आपने देखा कौन सा ऐसा है जिसमें ऐसा हो सकता है बेटा पहला देखो यहाँ से क्या दिया हुआ यहाँ से दिया गया कंड यहां से पहला ही पहला स्ट्रक्चर ही बेटा सही हो गया इसका मतलब ये बिल्कुल देखो ये दे डू नॉट हैव द इंटरफ्रेंस एट मतलब पहला हां बिल्कुल सही हो गया दूसरा है कि ये तेरे से दे आर द इफेक्टिव बैरियर फॉर द इंसेमिनेशन ये रोक लेगा फिर एस से तो इसका मतलब इससे पक्का है कि एस रुकती ही है कि बाकी में आपको मालूम है रियूजेबल होता है फिर दूसरा कि यहाँ पर मान लो कोई कुछ एस हुई तो ट्रांसमिटेड की स्टेप इसमें फर्स्ट आंसर आप देखते हैं पहला यहाँ पर चला जाता है और मुझे उम्मीद है ये सही गया होगा फिर नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ से आप देखते हैंजिकल चेंज इन दीवन टिश्यू देखो कितना एनसीआर टी की लाइन ही है निम्न में से कौन सा निदान तकनीकी में सजीव उत्तकों में होने वाले जो यहाँ पर एक जो अपन ने कहा कि कौन सा कि यहाँ एक कार्य की परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए तेज चुंबकीय क्षेत्र तथा देखो यहां पर नॉन आयनेशन किरणों का उपयोग किया गया बिल्कुल एनसीआर लाइन है एमआरआई के लिए ऐसा बोला जाता है आप देखना इसमें तीन नंबर आंसर चले जाते हैं फिर नेक्स्ट देखो बेटा यहां से आपसे पूछा गया बेटा क्या कि हमारा जो इम्यूनोस्प्रेस्ड है उसके लिए पूछा गया कि साइक्लोस्प्रिन ए विच इज यूज एंड इम्यूनोस्प्रेस्ड एजेंट प्रोड्यूस्ड बाय आपको मालूम होगा फंगस से इसको प्राप्त किया जाता है साइक्लोस्प्रीन एक दो तो यहाँ पर आपने देखा कौन सा ट्राइकोडर्मा ये ट्राइकोडर्मा जो है स्पेशली इमिनो सुप्रेस एजेंट के रूप में काम करता है साइक्लोस्प्रीन तो इसका मतलब इसका आंसर ये चला जाता है फिर उसके बाद देखो क्या होता है यहाँ पर आपसे पूछा गया ये भी मैच वाला है बेटा यहाँ पर पूछा गया कि इसको कॉलम ए से बी से मैच करना है तो देखो बायोप्स क्या कह रही है बायोसी मतलब एक तरह से एक कोई संभावनाग्रस्त कोई उत्तक होता है उस उत्तक को छोटा सा टुकड़ा काट के उसको फिर अभिरंजित करते हैं फिर सूक्ष्म दृष्टि में परीक्षण किया जाता है तो ये ए पीस ऑफ द स्पेक्टेड टिश्यू कट इन टू दिन सेक्शन एंड स्टेन एंड द एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप इसका मतलब यहाँ चार नंबर के हिसाब से आंसर चला जाता है फिर उसके बाद में रेडियोग्राफी के रूप में देखते हैं बेटा तो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि जैसे मान लो एक्सरे का उपयोग करके हम जो भी इंटरनल ऑर्गन होता है उसमें कैंसर का पता लगाते हैं तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ कि एक्सरे आर द यूज डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन इसका मतलब यहां पर तीन आ जाता है फिर है ब्लड या बोन टेस्ट इसमें आपको मालूम है बेटा कि जैसे ल्यूकेमिया वगैरह में है तो इसका मतलब इसमें दो नंबर आंसर यहाँ आ जाता है फिर है यहाँ से जैसे सीटी जो करते हैं यहाँ टोमोग्राफी जो आप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सरे का उपयोग करके इंटरनल ऑर्गन का थ्री जो डायग्राम है वो लेकर अपन चेक करते हैं तो इसका मतलब वन तो इसका मतलब फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू वन किस में है फोर टू ए

Reach and रिलीज टू, कि पर के, के पश्चात पदार्थ छोड़ता है और उसी दौरान उसको एक ठंड तथा जबर का महसूस होता है तीन नंबर है वो इसका आंसर चला जाता है फिर लास्ट वाला भी देख लेते हैं कि माइक्रोगेबिट एंड मेगा गेमिट आर दिस्टोबीसी इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है तो यहाँ पर तीन आंसर चले जाते हैं बेटा अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ से ये पूछा गया बेटा कि ये जो है आपको मालूम है ड्रग्स वाले से नहीं आ गया है इवन बिलो द लिस्ट सम साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबोलिक स्टोरॉइड बाई द सर्टेन स्पोर्ट्स कुछ खिलाड़ियों द्वारा एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के उपयोग के कुछ दुष्प्रभाव देखे गए हैं उनमें आपको क्या ढूंढना है हाउ मेनी साइड इफेक्ट रिलीज विद इन फीमेल्स एज वेल एज मेल स्पॉर्ट पर्सन मतलब दोनों ऐसे प्रभाव ढूंढने इनमें से कि जो फीमेल्स में भी हो महिलाओं में भी और पुरुषों में भी देखने को मिल सकते हैं अब आप देखो इसमें कितने ऐसे हो सकते हैं बेटा कि दोनों मिलने चाहिए एक नहीं अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि मेल के हैं कुछ ऐसे फीमेल के कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो मेल और फीमेल दोनों में मिलते हैं अब जैसे पहला है यहाँ से कहा कि जैसे मोस्क्यूलराइजेशन तो इसका मतलब ये तो एक में हुआ

तराव चढ़ाव ये मिल जाएगा तो पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया और तीसरा अवसाद मतलब तीन यहाँ पर आपके सामने तीन ऐसे हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों खिलाड़ियों में देखने को मिल सकता है तो इसका मतलब यहाँ पर तीन मतलब तीन का मतलब ऑप्शन में आपको मालूम है तीन दो में है इसलिए इसका आंसर कौन सा चला गया सेकेंड चला जाता है फिर ये नेक्स्ट ठीक है यहाँ पर आप देखते हैं बेटा कि अपन ने पूरा एक जोलॉजी पोर्सन से सॉल्यूशन किया है और आपने देखा बेटा सी की सबसे बड़ी विशेषता है कि हर गांव से हर मतलब जो बेचारा गरीब है जो नहीं पढ़ पा रहा है उसके लिए ये एग्ज़ाम करवाती रहती है और उससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और जो बच्चा काफ़ी जो इंटेलिजेंट है और कुछ ऐसे कि पैसों के कारण या कुछ अभाव के कारण नहीं पढ़ पाता है तो आपको मालूम है सी ने ऐसे बहुत अच्छे एग्जाम से उन बच्चों को ढूंढा है तराशा है और उसको आगे पूरा का पूरा फ्यूचर उसके बनाने के लिए तैयार रहती है और हमारे बॉस आपको मालूम ही है इन चीज़ों पर काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते भी हैं और ये सी की पहचान है कि हर गांव से हर ढाड़ी से डॉक्टर और इंजीनियर है वो बनना चाहिए तो ये चीज़ आपको मालूम ही है बेटा इसका पूरा फ़ायदा उठाया होगा मुझे काफ़ी उम्मीद है और ऐसे टेस्ट आगे भी चलते जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे गए होंगे और चलो ठीक है बेस्ट ऑफ लक जय जय सी एल सी विजय सी एल सी थैंक यू हेलो स्टूडेंट तो चलो अपन अब डिस्कस करते हैं सेवेंटी सिक्स से हंड्रेड क्वेश्चन जो सेवेंटी फाइव तक के क्वेश्चन थे उसमें फ़िजिक्स केमिस्ट्री जो भी था रीजनिंग अब अपने नेक्स्ट 25 फाइव में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है तो चलो देखते हैं तो देखो 76 क्वेश्चन क्या बोला गया है डोमेन ऑफ दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ वन अपॉन साइन एक्स माइनस वन तो ध्यान दें किसी भी फंक्शन की डोमेन के लिए क्या करोगे उसके डिफाइन होने की कंडीशन तो देन दिस पार्ट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो क्या गए वन साइन एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या ध्यान दें एलसीएम लेने पे आ गया वन माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अब इसमें एक कंडीशन तो अप्लाई करोगे साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं सकता मतलब एक्स नॉट इक्वल टू एन पाए अब क्या किया मैंने ये वन माइनस साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव तो पॉजिटिव को जीरो में शिफ्ट कर सकते तो क्या जाएगा वन अपॉन वट एक बात ध्यान दे अगर ये पॉजिटिव है तो जीरो में शिफ्ट किया बट ये साइन एक्स जब जब वन देगा उस केस में क्या आएगा जीरो ग्रेटर जीरो तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो साइन एक्स इक्वल टू वन को आंसर में क्या करना बोलो इंक्लूड करना अपन तो साइन वन अपॉन साइन पॉजिटिव का होगा साइन एक्स मस्ट बी पॉजिटिव तो साइनेक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में दिस आंसर दिस आंसर तो इसका मतलब जीरो से टू पाई जीरो से पाई अगला आंसर टू पाई से टू एन प्लस न पाई तो आंसर जाएगा एन पाई से टू एन पाई से टू एन पाई प्लस पाई ध्यान दे और Sinex की वैल्यू कब आती है के मल्टीपल पे तो वो तो वो ऑलरेडी इसके अंदर क्या होंगे तो देन इसका हमको ऑप्शन फिल करना है उसके हाँ, उसके है उसके उसके बाद बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखें देखो क्या आपको एक फंक्शनल तो तो इक्वेशन करेंगे जब भी है, तो जनरली हम

एक्स प्लस वन बाई टू का स्टेप और इसका नंबर है एक्स माइनस एक्स माइनस टू नहीं देन तो डोमेन की कंडीशन क्या होंगी लॉग के लिए लॉग का नंबर तो लिखोगे आप जैसे माइनस प्लस, तो प्लस, प्लस तो ठीक इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया टू से ग्रेटर और माइनस वन से लेस स्टेप की कंडीशन क्या होगी बेस के लिए x प्लस हाफ क्या आएगा गर्दन जीरो आना चाहिए और अगली कंडीशन लिखते हैं बेस नॉट इक्वल टू वन मतलब स्टेप नॉट इक्वल टू तो उसका सिंपल शॉर्टकट तो तो क्या ध्यान दो स्टेप की वैल्यू जीरो से ग्रेटर तो स्टेप इज ऑलवेज इंटीयर तो जीरो से जस्ट ग्रेटर क्या होगा वन तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं एक्स प्लस हाफ मस्ट बी गर्दन इक्वल टू वन आफ्टर दैट Not equal to one है इसका मतलब को दो इसमें से वन को हटाओगे और वन का मतलब की वन से से होगी और तो और अब आप एक को करोगे तो देन वी विल गेट प्लस हाफ टू आ जाएगा ठीक है इतना आने के बाद इससे क्या आ गया क्लोज ब्रैकेट है तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा हमारे पास थ्री बाई टू से टू से ग्रेटर नेगेटिव तो गलत हो गया तो टू से ग्रेटर लेने पे आंसर क्या आएगा टू से इनफिनिटी तो देन इसका आपको फर्स्ट ऑप्शन ही फिल करना है ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो दी डोमेन ऑफ fx 0 से 7 आपको fx की डोमेन गिवन है जीरो से 7 तो देन डोमेन ऑफ दिस पार्ट एक बात ध्यान दो f ऑफ e की पावर x की डोमेन क्या होगी अल्टीमेटली x का इनपुट ऐसा दो कि e की पावर x का जो आउटपुट है वो लाइज बिटवीन 0 टू 1 तो so देन f ऑफ x की डोमेन को सेटिस्फाई करेगा वो तो आपको क्या लिखना है e की पावर x अगेन जीरो टू वन एंड f ऑफ ln mod मोड में भी ये लिखना है कि ln एन मोड एक्स अगेन लाइज e की पावर तो इधर तो क्या जाएगा माइनस इनफिनिटी और तो ये आ गया e log वन जीरो सिमिलरली log जीरो वन और e की पावर होने ई तो इसका मतलब क्या गया मोड एक्स की वैल्यू ए टू बी तो माइनस ई e से माइनस वन यूनियन वन से ई e. तो नेगेटिव पार्ट कौन सा आ गया क्योंकि नेगेटिव है 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 तो e से 1. तो से इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन ये अच्छा फंक्शन

अगले ऑप्शन में क्या बोलेगा और तो बताना कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है ओनली फर्स्ट ओनली सेकेंड तो देखो कैसे करना है मतलब अल्टीमेटली आपको जो एफ ऑफ एन एक्स फंक्शन है एन टेंडिंग टू इनफिटी पे बताना है कि जीरो सेवन में उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी और एक्स की कितनी वैल्यू पे, पे पॉसिबल हो सकती है देखो कैसे किया गया क्वेश्चन इस फंक्शन देखो इसने एक अच्छी बात है कि इसका डायग्राम ऑलरेडी मेंशन है ध्यान देना आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसका एवरेसिस करोगे तो एवरेसिस इसका ऑलवेज पॉजिटिव है फंक्शन कैसा है निकली जाएगा बट जीरो से वन बाई टू में एफ ऑफ जीरो इसमें जीरो आ रहा देख सकते हो आप और हाफ ऑफ हाफ क्या आ रहा बोलो वन बाई टू जीरो से हाफ में तो क्या होगा जो एफ फंक्शन है आपका वो वाई इक्वल से बड़ा है और 1 by 2 से 1 में f x फंक्शन क्या है सिलेस है तो इसको देखो किस थीम से किया गया है हमको गिवन है मतलब x बिलोंग्स टू चीरो से हाफ में f x greater than x इसको पहले समझो कि इस लाइन का मीनिंग क्या है इसका मतलब है कि जो f 1 x है इसको तो f x ही मानना है अगर n को 1 रखोगे तो f 2 x क्या जाएगा कंपोजिट फंक्शन आ गया f of f x फिर एफ ऑफ थ्री एक्स ट्रिपल एफ एक्स आ जाएगा तो इसमें क्या बोला कि? को चेक करना, तो X, अब अगर एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्रोग्रामिंग ऐसे चलती रहेगी तो अल्टीमेटली होगा क्या ध्यान देना जीरो से हाफ में जो एफ एक्ट है जैसे x की वैल्यू चाहे कुछ भी लो उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू मिलेगी अब उस वैल्यू को आप इस फंक्शन में ध्यान देना सभी जैसे x को लेट अल्फा माना अपन ने जीरो से वन बाई टू में तो अल्फा लेट करने पे क्या एफ अल्फा टू अल्फा गया अब एफ ऑफ अल्फा यदि अल्फा से ग्रेटर है तो अल्फा वैल्यू रिप्लेस करोग ऑफ अल्फा अल्फा से बड़ा मतलब वैल्यू क्या करेगी इसकी इंक्रीज कर दी जाएगी आप ऐसे समझ सकते हो जैसे लेट किसी पॉइंट पे ये वैल्यू मिली फंक्शन की तो इस पॉइंट पे ये आउटपुट आउट आउट तो ये आउटपुट ज्यादा है इसको मतलब एक्स को बढ़ाने पे दोबारा आउटपुट बढ़ेगा तो ये फंक्शन इन जब इनफिनिटी एन टेंडिंग इनटू इनफिनिटी तक टेंड करेगा तो वैल्यू कहां टेंड करेगी 1 2 की तरफ टेंड करती है समझ सकते हो आप एफ ऑफ जैसे लेट एक्स आपने अल्फा लेट किया एक ही पॉइंट पे समझ सकते हैं आप एक्स टेंड जैसे लेट ये पॉइंट मेरा अल्फा है तो एक्स को अल्फा लेने पर हमारे पास आ गया F of alpha बड़ा हो गया, alpha से अभी value कुछ भी हो इसके output आ गया तो F of, F of alpha, क्या होगा F of alpha से बड़ा इसका मीनिंग क्या गया एफ ऑफ अल्फा लेट बीटा तो एफ ऑफ बीटा बीटा से बड़ा गया और बीटा अल्फा से बड़ा है मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर ये पॉइंट है तो वैल्यू और बढ़ेगी ऐसे एफ ऑफ ऑफ लगाते जाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक अटेंड करेगी वन बाई टू तक तो एंड टेंडिंग टू इन पे ये वैल्यू कहां जाएगी वन बाय टू तक ठीक है और जब वन बाय टू से वन तो उल्टा हो जाएगा वैल्यू डिक्रीज करेगी वन पे वैल्यू ये तो फिर वैल्यू डिक्रीज करेगी और ये वैल्यू कहां टेंड करेगी दोबारा तो बोलो वन बाई टू पे तो अल्टीमेटली अब इसमें एक बात सुनो बच्चे क्या सोचते कि सर वन बाई टू की एक्स वन बाई टू होगा ऐसा नहीं है इसमें एक्स कुछ भी लो आप जीरो से हाफ में एक्स कुछ भी लो या वन बाई टू से वन में कुछ भी लो आप उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जब एफ ऑफ एन एक्स फाइंड आउट करोगे और लिमिट एंड टू क्या लगाओगे तो हमेशा वन टू की तरफ क्या करती है? अप्रोच करती है देन इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट तो और थर्ड में क्या दिक्कत है इसमें एक बात बोलिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिटी एफ ऑफ एन एक्स जीरो जीरो गलत है क्यों इसकी वैल्यू जीरो कब होगी जब एफ ऑफ जीरो जीरो

ध्यान दो सेकंड ऑप्शन में क्या ओनली सेकंड तो इसका फाइनल अच्छा था एन क्या देखो देव इंटीगल तो इसको किस तरीके से करना है अगर y पॉजिटिव है तो हम इन वर्स वाई को लिख सकते हैं बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स वाई इक्वल टू अभी आपको आईडी होना चाहिए कि जो इनवर्स थ्री की वैल्यू जीरो से पाइवेटू है

और आप समझ सको x मेरा पॉजिटिव है x पॉजिटिव का मतलब इसकी वैल्यू थी से बड़ी आनी चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे देखो इसमें ऑप्शंस क्या-क्या हो सकते हैं y 3 या तो 10 लेंगे तो 10 लेने पे क्या आ जाएगा y 3 अगर 10 है तो 10 10 1 तो x 2 आ गया आफ्टर दैट y 3 को मैं ले सकता हूं अगेन 5 ले सकते हैं तो 10 5 2 आ गया और अगला ऑप्शन हो सकता है वाई प्लस थ्री को हम टू ले सकते हैं तो टू पे तो नेगेटिव आ जाएगा ना माइनस टू ना माइनस फाइव ना माइनस टेन तो ओनली अभी हमारे पास थ्री ऑप्शन है अब हम इन थ्री ऑप्शन पर बात करते हैं तो इससे तो वाई आ गया सेवन इससे वाई आ गया टू और इससे तो वाई आ गया नेगेटिव तो ये भी ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट अब देखो वाई को अगर सेवन लिया मैंने वाई को सेवन लेने पे टेन टेन तो टू आ गया और अगर वाई को लेट करते हैं हम टू तो वाई को टू लेने पे फाइव टू तो एक्स क्या आ गया वन? तो इसके ओनली हमारे पास टू पेयर होंगे तो इसने पूछा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीगल सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट तो इसका टू आंसर आपको फिल करना है ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है कि दी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दी इक्वेशन दिस पार्ट वेयर एम पॉजिटिव एन नेगेटिव एक बात सुनो हमको ये पता है कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होती है जीरो से पाई और इसकी रेंज से पाई बट एक बात ध्यान दें एम पॉजिटिव तो ये और ये पॉजिटिव 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 और दो positive का सम क्योंकि है और एन नेगेटिव तो है तो ये वैल्यू क्या होगी या अल्टीमेटली ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो कब पॉजिटिव होगा जब दिस पार्ट जीरो दिस पार्ट इट तो सो जीरो वन माइनस एक्स जीरो जीरो इससे तो एक्स आ गया कितना

ये भी आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो देन एक्स बिलोंग्स टू क्या जाएगा कोस वन से कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन ये टू इक्वेशंस है थ्री सेकंड और ये फर्स्ट तो इन सब का क्या लेना है इंटरसेक्शन तो देखो कैसे लेते हैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन माइनस वन वन पाई बाई तो बड़ा होगा तो बाहर ले लेते हैं इसको ये आ गया कोस वन और कोट वन की वैल्यू ध्यान देना कोस वन से बड़ी होती है तो फर्स्ट इक्वेशन कहती है माइनस वन से वन अगली कहती है one से one, और अगली कहती है कोट से है। तो तीनों का कॉमन क्या जाएगा कोट वन से वन सॉरी क्या जाएगा बोलो कोट वन से वन तो कोट वन सेवन तो इसका ओनली थर्ड ऑप्शन ही आपको फिल करना ठीक है एक बार ध्यान दें वन पे क्लोज ब्रैकेट है वन को ले सकते हैं ठीक है तो इसका आंसर है कोट वन से वन कोट वन पे ओपन ब्रैकेट और वन पे

साइन इनवर्स का आउटपुट क्या होगा माइनस पाई बाई टू से जीरो जीरो से पाई बाई टू तो अल्टीमेटली साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव कब होगा जब एक्स मेरा पॉजिटिव होगा ये केवल पॉजिटिव के है अब करते हैं सॉल्व लॉग से लॉग रिमूव कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है बट अपन को पता है कि बेस अगर वन से लेस है तो साइन को क्या कर देते चेंज कोस इनवर्स एक्स को क्या रखोगे पाई बाई टू माइनस साइन सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में ले तो क्या जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन तो देन वी विल गेट साइन इनवर्स एक्स पाई बाई फोर आ गया तो साइन वर्स इंक्रीजिंग फंक्शन तो साइन डज नॉट चेंज तो वन बाय तो पॉजिटिव वन बाय तो इसका आंसर आएगा जीरो से वन बाय तो देन अपन को इसका थर्ड ऑप्शन ही फिल करना है ठीक है कंप्लीट सॉल्यूशन सेट पूछा गया है एट्टी क्या देखो आपको एक मैट्रिक डिटर्मिनेंट गिवन है तो सिग्मा आई इक्वल से के यू से तो की की वैल्यू बताओ तो एक बात ध्यान दें कि पता होना चाहिए ये जो डिटरमेंट है इसमें ये वेरिएबल है है तो जब भी डिटरमेंट का सिग्मा लेते हैं तो कुछ ना करें जो वेरिएबल लाइन है उसमें सिग्मा लगा दें आप खुद समझ सकते हैं ना यार हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे वन इसके अलोंग दिस, दिस इन टू दिस ये कॉन्स्टेंट तो हुआ क्या सिग्मा ओनली आपका इन कॉलम वन के अलोंग ओपन होगा तो जब इसका सिग्मा लोगे तो देखो सीधा फंक्शन आ जाएगा सिग्मा लेने पे क्या आ गया

स्पीडली करने का मेथड है अगर कुछ वैल्यूज जब हमको याद हो तो अब अपन एक काम करते हैं इसको सॉल्व करके के की वैल्यू चाहिए तो इसमें लगा ऑपरेशंस सी वन माइनस सी टू और सी टू माइनस सी थ्री तो देखो सी वन माइनस सी टू करने पे जीरो आ गया माइनस वन आ गया जीरो आ गया जीरो आ गया के आ गया ये वन आ जाएगा माइनस के माँणस वन आ जाएगा ये एजिट आ गया और ये एज आ गया तो ध्यान दो हम ओनली क्या करेंगे इसको इसके अलोंग ऊपर करेंगे माइनस वन के अलोंग माइनस माइनस प्लस वन आ गया इसके अलोंग किया तो ये कट गया तो ये जीरो माइनस माइनस प्लस तो क्या गया के प्लस वन इन के ये कितना है सेवेंटी टू तो के को क्या लोगे एट एट इन टू नाइन सेवेंटी टू तो इसका के कितना फेल करना वो लोग सिंपल सा क्वेश्चन था उसके बाद एटी क्या है

एक स्केल के एक का डिट्रीमेंट लेते हैं तो के को जब डिटमेंट से बाहर करो तो क्या है? K -की पावर टू की पावर के. K -का मतलब इसका कितना है थ्री डिटर्मिनेंट ऑफ एनवर्स और ये पता होना चाहिए ए इनवर्स और ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन है तो मोड भी आ गया टू क्यूब का मतलब एट. तो ये वन आ गया ये एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर आ गया

कब हो सकती है जब सारे जीरो तो ये तो जीरो कब कब आएगा आएगा जीरो पे ये जीरो जब बी को लोगे और ये जीरो ये जीरो कब कब होगा रूट टू हो जब इसकी टू 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 और की रिप्लेस कर दो हमको तो वैल्यू मिल जाएगी तो देखो फोर पाई करोगी तो साइन जीरो ये ऑलरेडी वन है बी को लोगे वन तो थ्री आ गया वन आ गया वन आ गया आ, और सी को जीरो माइनस थ्री केवल इस माइनस थ्री के, के लोग ओपन कर देते हैं तो कितना आ गया वन बाई टू, टू टू वन माइनस फाइव ठीक है माइनस फोर तो इसका क्या आंसर जाएगा बोलो ट्वेल्व तो मेरे अकॉर्डिंग इसका फोर्थ ऑप्शन आपको

पहली बात तो इसके डिटमेंट एम का मतलब क्या एन वन एन वन मतलब क्योंकि भरने तो के हमारे पास तीन ऑप्शन है जीरो वन टू थ्री से तो, तो टोटल डिटमेंट क्या होंगी फर्स्ट को भरने के थ्री ऑप्शन अगले के थ्री अगले के थ्री को दोबारा थ्री लिखना क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ से ट्वेंटी सेवन

माइनस के रूट टू है ये कोट पाई टू के मल्टीपल पे जीरो मल्टीपल है और मैट्रिक्स आर गिवन है पीटी क्यूज एट पी तो देन आर वन वन मतलब इस आर को फाइंड करके आर वन वन मतलब फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो एक काम करो आपको दे रखा है पी टी क्यू एट पी क्यू आपको क्यू एट की वैल्यू चाहिए ना तो इसको थोड़ा समझते हैं इसकी एक बार स्क्वायरिंग करते हैं तो क्यू स्क्वायर का मीनिंग क्या है का? दो बार लिख देते हैं इसको पी ए पी ट्रांसपोज तो देखो ध्यान दे ये कितना बन गया आई तो स्क्वायर आ गया तो क्या गया पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज अब इसका अगर क्यूब करोगे तो क्या करोगे एक बार और मल्टीप्लाई कर दो पी इन टू पी ट्रांसफोर्स से तो क्या होगा पी से पी ट्रांसपोज चला गया तो क्यूब आ गया तो सिमेट्री से आप आगे लिखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि स्क्वायर है तो टू आ रहा है थ्री तो थ्री तो एट पी एट आ जाएगा तो फाइनली क्या जाएगा पी का ट्रांसपोज पी ए की पावर एट पी ट्रांसपोज और पी 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 ट्रांसपोज वन हो गया ये भी वन आई हो गया तो फाइनली जो अपना आर है ना मैट्रिक्स वो क्या गया ए की पावर एट अब की पावर एट करना तो कुछ ना करें हमारे पास ए पता है एक बार इसकी कर देना स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करने पे क्या है ध्यान देना रो बाय कॉलम करोगे तो ये बन जाएगा रूट का स्क्वायर ये लिख के देखना अगले भी क्यूब करोगे तो क्या जाएगा ये ये रूट थ्री का क्यूब आने वाला है तो सिमेट्री से एट करने पर रूट थ्री की पावर एट तो ये वैल्यू आपको मिलेगी रूट थ्री की पावर एट का मतलब तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन फिल करना आपको उसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन देखो क्या है लिमिट ऑफ टू वन से वन चला गया स्क्वायर से रूट आगे तो मोड आ गया तो टू टू तो बाहर आ गया मोड ऑफ साइन एक्स माइनस वन का मोड अपॉन वन एक्स माइनस अब थोड़ा ध्यान दें आप

एक्स टेंडिंग टू माइनस तो प्लस वाला जाएगा ए प्लस होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या एक्स अब देखो इसमें कॉमन लो इसमें कॉमन लो जब आप इसमें से का कॉमन लोगे तो बाहर एक्स नहीं आता बेटा मोड एक्स कॉमन लेते तो इन दोनों में से जब मोड एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया रूट ऑफ मैं ओनली ड्रोमीटर की बात करता हूँ आपसे फोर अपॉन एक्स और ये भी आ गया रूट ऑफ वन माइनस फोर अपॉन एक्स अब इससे मेन थीम ये थी कि एक्स अगर माइनस इन्फिटी की तरफ तो टेंड करता है तो मोड एक्स को क्या लिखेंगे माइनस एक्स नॉट एक्स तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया और आफ्टर दैट क्या आ गया वन अपॉन इन्फिटी जीरो तो वन एंड वन टू तो माइनस का फोर आंसर फिल करना स्टूडेंट जल्दीबाजी में इसका फोर आंसर फिल कर देते हैं तो देन इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ 92 क्या है क्या बोला गया इफ x इक्वल टू यू इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इनफिनिटी कॉस स्क्वायर टू एन एक्स देन दी वैल्यू ऑफ कॉस यू देखो इसमें क्या थी मैं एक फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इनफाइनेट ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स की पावर तो एक बार ध्यान दो n इन्फिटी की ट्रेंड है हम एक ही बार जानते हैं कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जीरो सेवन तो अगर कोस स्क्वायर जीरो टू वन के ओपन है वन को लेट नहीं करना तो जीरो से वन की पावर इन्फिटी जीरो बन जाएगी तो उसमें थीम ये थी कि अगर कोस स्क्वायर एक्स वन से ले से तो एफ ऑफ आपका जीरो हो जाएगा और अगर कोस स्क्वायर एक एक्जेक्टली वन है, तो आंसर क्या जाएगा मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है आपका वो क्या होगा ध्यान देना सभी कोशिश स्क्वायर की वैल्यू वन कब आती है और कोशिश स्क्वायर एक्स वन एक्स एक्स प्लस टू एन पाई है फिर तो इसका आंसर जीरो मतलब ईच मल्टीपल पे ब्रेक होगा फंक्शन मतलब और अगर एक्स इक्वल टू एन पाई पे डिसकंटिन्यूस है, क्या है? तो पाई के मल्टीपल पे कॉस की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस वन तो देन आपको इसका थर्ड ऑप्शन करना है, तो अगर एम ने तो वन आंसर है और, और है तो माइनस वन तो इसका थर्ड ऑप्शन है।, तो है अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ऑल पॉइंट वेयर दी फंक्शन एफ एक्स दिस पार्ट इज डिफरेंशियबल इक्वल टू ये फंक्शन एक्स के एक किस इंटरवल में क्या है तो देखो क्वेश्चन होता है जान देना बस माहौल ये खराब करता है पहली बात तो इसकी डोमेन की बात कर लेना ई की पावर इसका डायग्राम बनाते थे ऐसे बनता है था मैक्म बन आती है तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव अभी फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं एक काम करता हूँ इसकी डिफरेंशियलिटी के लिए अपन डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर सकते हैं तो इसका डिफरेंशियन क्या जाएगा ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस और डिफरेंशियल इसकी बात मत करो हम केवल इसकी बात करेंगे तो इसका डिफरेंशियन क्या आएगा टू से टू कैंसिल अब देखो ध्यान दो ये ऊपर तो ऑलवेज तो डिफाइन है फटी जीरो पे तो जीरोस जीरो को चेक करोगे आप लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो आगे की पावर माइनस तो देखो e की पावर जीरो जीरो एक्स की वजह से जीरो आ रहा एक है इसकी वजह से तो एक काम करो हम e की पावर एक्स का लगा देते इसमें एक्सपेंशन लिमिट ऑफ ये आ गया तो e की पावर जीरो वन है तो x अपॉन रूट ऑफ ध्यान देना सभी प्लस हो गया तो इन सब में से मिले तो बार क्या जाएगा मोड एक्स और ये आ गया वन माइनस एक्स करवाई फैक्टर तो हायर पावर में तो जीरो बन जाएगा अब देखो जीरो प्लस तो 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 मतलब जो एवरेज जीरो की वैल्यू है उसकी एल एच डी तो आती है माइनस वन और आर एच डी क्या वन? इसका मीनिंग फंक्शन जीरो पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल तो इसका आंसर क्या है आर माइनस जीरो तो बच्चों फिल करना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो ये अच्छा क्वेश्चन है

जब भी आपको फंक्शनल प्रॉपर्टी गिवन हो और आपको फंक्शन आना है तो उसका बेटर ऑप्शन है आप एवडेस एक्स के फॉर्मुले से करें तो हम लिख सकते हैं इसको लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच हम एच पे एक्स पे चेक करें लिमिट तो क्या जाएगा एवडेस एक्स इक्वल टू सुनो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो

Limit of H to ये आ गया। तो जीरो पे एफ ऑफ जीरो, जीरो, जीरो का मतलब क्या होता एवरेज जीरो अरे यार एफ ऑफ जीरो जीरो है ना आप इस फंक्शन में जब एक्स और वाई को जीरो रखोगे तो इससे एफ ऑफ जीरो जीरो आ रहा है इसका मतलब जीरो जीरो फॉर्म है तो डीए लगा एवरेज जीरो और एवरेज जीरो जीरो फाइनली एफडेस एक्स के आगे मोड एक्स अब देखो क्या करना है अपने पास क्या चुका है एवडेस एक्स गया मोड एक्स इसमें दो के माइनस के एक्सर वाई टू प्लस सी और अगर ये, ये तो एफ एक्स क्या जाएगा एक्स स्क्वाई टू प्लस सी सिंपल सा फंडा एफ ऑफ जीरो हमारा जीरो है

हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन मतलब इसका मिनिमल लाई करता है तो इसको ऐसे समझे देखो एक फंक्शन है एफ एक एक्स जीरो सेवन में देखो ऐसे करेंगे अपन और त। त। वन से वन से थ्री में तो क्या है एक्स की लाइन है मतलब वन पे वन थ्री पे थ्री और ये एफ एक्स एक फंक्शन इसको रफली मैंने ऐसे मान लिया लो तो एक बात बताओ ये वन पे वैल्यू ये वन पे वैल्यू तो अगर एफ ऑफ वन पे ये स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है इसका मतलब एफ ऑफ वन की जो वैल्यू है

एफ ओ वन माइनस बड़ा होगा एफ ओ वन से इक्वल भी हो सकता है एंड एफ ओ वन हम क्या पढ़ते हैं अगर दोनों पॉसिबिलिटी हो अब इस पॉइंट से समझो ऐसे अलग से जैसे पॉइंट ए प्लस और ए वैल्यू अगर एफ ऑफ ए से ग्रेटेस्ट का मतलब ऑफ क्या होगा लोकल मिनिमम मीनिंग स्मोलेस्ट वैल्यू आपको अचीव होगी तो देन तो ये तो ऑलवेज ट्रू है क्योंकि एफ ओ वन भी, 1 है, F of 1 भी टू वन है एफ ओ वन प्लस माइनस वन का मतलब माइनस वन इसके अंदर लाई करेगा तो जाएगा माइनस वन प्लस वन प्लस इक्वल टू वन आ गया तो ये कितना आ गया इनवर्स टू कॉस इनवर्स ए देन टू कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है इनक्रीजिंग हाँ, एक बात ध्यान देना कॉस इनवर्स ए टू से ग्रेटर है तो मैक्सिमम कितना होगा पाई तो हम लिख सकते हैं

सेकेंड ऑप्शन क्या करना, बच्चों करना है बच्चों फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन इसको रिवर्स करना पड़ेगा ठीक है तो इसका सेकेंड आंसर फिल करोगे उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर वाई देशन वाई स्क्वायर टू एक्सर पर थर्टी थ्री वे आर वाई पॉजिटिव ऑफ नॉर्मल ट्रॉन टू दी दर्व एट एक्सल फोर मतलब इस फंक्शन के एक्स इक्ट फोर पे जो नॉर्मल है उसका वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या करें हमको एक्स तो गिवन है फोर तो एक्स को फोर लो सिक्सटीन और थर्टीन 3, फोर्टी का रूट सेवन प्लस माइनस लेकिन वाई तो प्लस 7 आ गया पॉइंट आ गया अब क्या चीज नॉर्मल का स्लोप तो पहले डी वाई कर दो तो कितना जाएगा टू वाई डी वाई डी इज इक्वल टू एक्स तो देन तो इसका वाई डी आ गया एक्स अपॉन वाई तो वाई डी जाएगा 4 अपॉन सेवन ये टेंजेंट का स्लोप है नॉर्मल तो का स्लोप क्या होगा रिवर्स और नेगेटिव तो देन इक्वेशन नॉर्मल इज वाई माइनस सेवन इक्वल टू माइनस इसने पूछा वाई इंटरसेप्ट तो मैं एक्स को जीरो रिप्लेस कर देते तो एक्स को जीरो लेने पे क्या आ गया वाई माइनस सेवन इक्वल टू प्लस सेवन तो वाई इक्वल टू आ गया फोर्टीन तो वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा बोलो फोर्टीन तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप ये ठीक क्वेश्चन इफ दी ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल और जी एक्स इक्वल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द रेंज ऑफ ए देखो इसका मीनिंग है समझो इसको अगर वाई सेट लेट करते तो आ गया वाई इक्वल टू तो थ्री अपोन एक्स यस सर <coughs> तो वाई इक्वल टू तो थ्री अपोन एक्स क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे इसमें नई बात ध्यान देना ये जो फंक्शन है ना आपका वाई इक्वल टू तो एक्स प्लस लाइन है इसमें एक कंडीशन ध्यान देना अगर ए आपने जीरो ले लिया ना तो ए को जीरो लेने पर क्या वाई इक्वल टू वन तो वाई इक्वल टू वन तो इसको क्या करेगा ओनली वन पॉइंट पे तो इसमें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला गया तो ए को जीरो नहीं करना ध्यान देना तो इसमें से ए जीरो उठाएंगे

माइनस so yeah. so so थ्री तो ट्वेल्व एन माइनस माइनस वन बाई टू से ट्वेल्व आंसर है बट जीरो को हटाना थर्ड फिल करोगे ठीक है है 98 क्या देखो लेट गिवन आपको क्यूबिक फंक्शन देन दी ट्रू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कंडीशन क्या लगा दो एफ डे एक्स लेस देन जीरो

एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जीरो तो लेस देन कितना आ गया थ्री इधर थ्री होगा तो थ्री से थ्री क्या होगा कैंसिल होगा तब आप ध्यान दो ये वन है एक्स की ऑल वैल्यू के लिए ये वैल्यू वन से लेस होनी चाहिए इसका मतलब क्या होगा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है एक्स कुछ भी हो सकता है तो अगर बाय चांस ये नेगेटिव बन गया तो दिस इज ऑलवेज ट्रू तो इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो जीरो लेने पर क्या जीरो लेस देन वन आ गया ठीक है ना तो देन इसका आंसर है ए बिलोंग्स टू माइनस से टू तो देन इसका

एक्स माइनस वन और एक आ गया इक्वल टू के एक्स एक बार दोनों के डायग्राम को टोकते मोड़ का डायग्राम इससे बनेगा ये वन ओ नाइन पे जीरो आ रहा है सॉरी ये वन पर आना चाहिए ऐसे वन ओ नाइन पे अब एक बार ध्यान दो अगर इसमें के पॉजिटिव है तो देखो इसमें क्या होगा के पॉजिटिव पे क्या होगा तीन ऑप्शन हो सकते हैं या तो लाइन ऐसे पास होगी या इसको टच करेगी और या फिर क्या करेगी कट तो ध्यान दो अगर टच करती है या टच करने पे भी थ्री सोलूशन हो सकते हैं और कट करेगी तो वन चार इसने बोला इसके मैक्सिमम मिनिमम वन और मैक्सिमम थ्री सोल्यूशन हो तो एक तो फोर की कंडीशन को हटा दो मतलब ये लाइन जब एक्स वन टू नाइन है तो दोनों क्या नहीं करनी चाहिए इंटरसेप्ट तो इसमें एक केस तो कैलेट करो अगर के पॉजिटिव है तो x बिलोंग्स टू वन टू नाइन में बहुत कर्सा डज नॉट इंटरसेक्ट तो दोनों से क्या करें y की वैल्यू कुल कर दो तो y की वैल्यू कुल करने पे क्या जाएगा पहली बात तो ध्यान दो वन से नाइन में मोर नेगेटिव के साथ ओपन हो होगा तो क्या जाएगा ये इसको लेफ्ट में लाओ तो इट इज बिकम क्वाड्रेटिक इन x तो आ गया x स्क्वायर प्लस k माइनस टेन इन टू एक्स प्लस नाइन पहली बात तो इसको प्रॉपर वे में मतलब है कि जब

ज फोर सोल्यूशन अदरवाइज बाकी सारे केसेज में सॉरी ए लिखना के लिखना है बाकी सारे केसेज में इसके क्या होंगे बोलो या तो वन सोल्यूशन होंगे या टू होंगे या थ्री अब एक ऑप्शन और आता है कि सर के नेगेटिव में क्या होगा तो के नेगेटिव में देखो डायग्राम ऐसे बन सकता है याट को कट कर सकता है तो आप एक काम करो ना कट की कंडीशन चेक कर लो अगर एक्स आपका जीरो से लेस है तो वन से लेस में फंक्शन पॉजिटिव है तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू के एक्स तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस कॉमन ये माइनस कॉमन तो माइनस के प्लस टेन एक्स प्लस नाइन तो के नेगेटिव में यह देखना हमको कि या तो ये लाइनस कर को टच करनी चाहिए क्वार्टर के तो डी जीरो या फिर कट करेगी तो इसका देख लो कि जीरो से एक्स अगर नेगेटिव है तो इसका डी गिर जीरो करके देख लो मतलब अब इस क्वाड्रेटिक का डायग्राम बनाओगे तो क्वाड्रेटिक का डायग्राम बनेगा क्वार्टिक तो जीरो और जीरो से लेस में इस क्वाड्रेटिक के दो सोल्यूशन है तो अगेन लगा दो लोकेशन तो इससे क्या होगा जो के की वैल्यू है वो सारी नेगेटिव वैल्यू अचीव हो होंगी तो ओनली आपको फोर से सिक्सटीन आंसर को रिमूव करना है तो देन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको फिल करना था बोलो फोर ठीक है चले उसके बाद ध्यान दो

या फिर आप इसका कर सकते हो रेस्टलाइजेशन तो अपन रेस्टलाइजेशन पे क्या होगा ये प्लस करोगे ना तो प्लस करने पे नीचे तो क्या गया? टू प्लस रूड फोर प्लस एक्स और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा माइनस के एक्स ये लो एक्स एक्स चला गया जीरो पे टू और टू फोर ये आ गया माइनस के वन बाई ट्वेल्व ई तो की पावर माइनस के वन बेटा तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है चलो थैंक यू